नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टुडे सेशन। आज के सेशन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है आपके लिए एक नई दिशा ओपन करेगा। आज के सेशन का जो टॉपिक है, ईमेल मार्केटिंग से किस तरह से आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग से किस तरह से आप कॉरपोरेट सेगमेंट में काम अपना जो है वो बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर दोस्तों हम अवश्य आएंगे। राइट, सो आज का ये 90 मिनट का सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो तैयार हैं आप सभी लोग, कमेंट अवश्य कीजिएगा जो भी चीज है। दोस्तों आप तैयार हैं इस कोर्स, आज के इस सेशन में, आज के इस ट्रेनिंग का बेनिफिट लेने के लिए, क्या आप सभी लोग तैयार हैं? फैंटास्टिक, बहुत सारे दोस्तों का फटाफट आंसर आ रहा है, क्योंकि मैं आपको एंगेज रखूंगा, एक्टिव रखूंगा जब आप कमेंट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, चैट करते हैं, तो आप एक्टिव रहते हैं। राइट, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जो भी दोस्त यहां पर फटाफट आंसर्स लिख रहे हैं, दे आर रेडी रेडी यस रेडी, फैंटास्टिक। डीके जी ने लिखा, ब्रिज किशोर जी ने लिखा, फैंटास्टिक। मिस्टर पटेल ने लिखा, दीपक जी ने लिखा, सीमा मैडम ने लिखा, श्रीनिवास जी ने लिखा, बबीता जी ने लिखा, फैंटास्टिक, बहुत अच्छे, फैंटास्टिक, वेरी नाइस वेरी नाइस। सो आते हैं डायरेक्ट दोस्तों आज के इस प्रेजेंटेशन पे। ईमेल आज बहुत बड़ा माध्यम है, कई बार हम इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ईमेल एक ऐसा माध्यम है कि जहां पर आप नहीं पहुंच सकते वहां से आप बिजनेस कैसे उठाएं। जो मीलों दूर है, जो दूसरे देश में लोग बैठे हुए हैं, जो दूसरे स्टेट में लोग बैठे हुए हैं, उनके साथ कैसे टच करके किस तरह से कॉरपोरेट बिजनेस बढ़ाएं, किस तरह से अपना HNI बिजनेस बढ़ा सकते हैं। सो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों 26 साल का एक्सपीरियंस आज आप मुझे सुन रहे हैं, एक बार मैं बताना चाहूंगा, मायसेल्फ संजय गुरनानी, 26 साल का एक्सपीरियंस है कॉरपोरेट बिजनेस, किस तरह से बैंक अश्योरेंस और कॉरपोरेट बिजनेस बढ़ाना चाहिए, NRI बिजनेस किस तरह से बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे हमारे साथियों ने NRI बिजनेस में झंडे गाड़ दिए हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से करनी चाहिए, कॉरपोरेट रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से कॉरपोरेट्स में बिजनेस करना चाहिए, अंडरराइटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होना चाहिए। दोस्तों रिजनेबली क्वालिफाइड BCom MBA किया, उसके बाद CFP कंप्लीट किया, फिर लाइसेंसिएट एसोसिएट एंड फेलोशिप किया लाइफ इंश्योरेंस में, और उसके बाद किया एडवांस प्रोग्राम फॉर मार्केटिंग प्रोफेशनल्स फ्रॉम IIM कोलकाता। दोस्तों एक मिशन है मेरा कि जो नॉर्मल एडवाइजर है उसको किस तरह से, नॉर्मल एडवाइजर को किस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सपर्ट बनाना, और नॉर्मल एडवाइजर को किस तरह से ऐसी नई राह, ऐसी नई दिशा में ले जाना ताकि वो HNI और कॉरपोरेट बिजनेस में भी अपना डंका बजा सके और अपनी इनकम बढ़ा सके, अपना एक्सपांशन कर पाए। आज के 90 मिनट में आप क्या सीखने वाले हैं? तो सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो भी साथी यहां पर ज्वाइन हुए हैं। आज हम क्या सीखने वाले हैं 90 मिनट के सेशन में? पहले हम सीखने वाले हैं 5 सीक्रेट नीड्स दैट मेक HNI टू बाय बिग इंश्योरेंस पॉलिसीज। कौन सी HNIs की 5 सीक्रेट नीड होती हैं? अगर आप उन नीड्स के ऊपर फोकस करते हैं तो डेफिनेटली आप बड़ा इंश्योरेंस उनको दे पाएंगे, और आप ऐसे कह सकते हैं कि वो लोग आपसे बड़ा इंश्योरेंस खरीदेंगे। तो HNI की हिडन नीड्स किस प्रकार की होती है दोस्तों, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। उसके बाद कई बार हमारे साथी जो हैं HNI से बात करने के लिए एक कहीं ना कहीं मन में फियर रहता है कि उसको मैं कैसे बात करूंगा, या बहुत सारे फियर्स होते हैं। तो कौन से 5 फियर्स होते हैं एडवाइजर्स के मन में HNI प्रोस्पेक्ट्स के लिए? उसके बाद कौन सी 4 क्रिटिकल रिस्क होती है बिजनेसमैन की HNIs की? अगर आप उस रिस्क के ऊपर दोस्तों ध्यान देते हैं तो डेफिनेटली
आप HNI को अट्रैक्ट कर पाएंगे, HNI के साथ बिजनेस कर पाएंगे, क्योंकि ये जो बेसिक है वो तो हमें पता होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद चौथी पॉइंट हम सीखने वाले हैं, हाउ टू स्टार्ट ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग क्यों, उसका स्कोप क्या है, कैसे शुरुआत करना चाहिए, राइट, और हाउ टू सेल द बिग इंश्योरेंस टू बिजनेसमैन थ्रू ईमेल मार्केटिंग। एक मेल का मैं आपको सैंपल, एक डेमो दिखाने वाला हूं, किस प्रकार के मेल जो है वो कॉर्पोरेट्स में भेजे जाते हैं, किस प्रकार के जो मेल्स है वो HNI को भेजे जाते हैं। सो यह जो पांचवा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ टू सेल बिग इंश्योरेंस पॉलिसी टू बिजनेसमैन थ्रू ईमेल मार्केटिंग, यह दोस्तों हम लास्ट में लेने वाले हैं। और अगर आपने ये देख लिया तो आपको ये पता चलेगा कि कस्टमर को जब भी हम मेल भेजते हैं, वो प्रोस्पेक्ट है, वो नोन है, वो अननोन है, तो किस प्रकार का मेल भेजना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, उसमें क्या क्या कवर अप होना चाहिए, उसके अंदर आपका सैल्यूटेशन कैसे होना चाहिए, आपका ब्रांडिंग कैसे होना चाहिए, आज हम उसके ऊपर दोस्तों लास्ट में बात करने वाले हैं। सो ये जो पांच टॉपिक हैं मैं आज की इस मीटिंग में लेने वाला हूं। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा नोट पैड लेके बैठिएगा। नोट पैड दोस्तों इसलिए जरूरी होता है क्योंकि कई बार हम कई सारी चीजें भूल जाते हैं, वो नोट पैड अवश्य लेके बैठिएगा। उसके बाद लास्ट में मैं चैट में आपके क्वेश्चंस एंड आंसर्स दूंगा लास्ट में। कई सारे साथी जब मैं कहूं तभी ही आप चैट में लिखिएगा, राइट, ओके। क्वेश्चन एंड आंसर्स दोस्तों हम लास्ट में लेने वाले हैं। कई बार आपके मन में ये सवाल उठता होगा, व्हाट मेक्स टॉप परफॉर्मर्स डिफरेंट। जो टॉप के परफॉर्मर्स होते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, वह क्यों टॉप पर पहुंचते हैं, वो ऐसा क्या अलग करते हैं, कौन सी चीज के ऊपर फोकस करते हैं ताकि उनका जो बिजनेस है वो कंटिन्यू बढ़ता रहता है। सो व्हाट मेक्स टॉप परफॉर्मर्स डिफरेंट, वो डिफरेंट कैसे हैं, वो क्या नई चीजें करते हैं, किस चीज पे ध्यान देते हैं, आज उन चीजों पर भी हम फोकस दोस्तों अवश्य करेंगे। हमारी इस इंडस्ट्री में 5:90 का रेशो है। 5:90 का रेशो क्या होता है, आइए देखते हैं। ये आपके लिए बहुत जरूरी है इसको समझना, अगर हम अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो इस रेशो को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो इस रेशो को समझना अति आवश्यक है। व्हाट इज दिस दोस्तों, यह रेशो क्या है, यह रेशो बता रहा है कि 5% एडवाइजर्स, यस दोस्तों 5% एडवाइजर्स 90% इनकम अर्न करते हैं इस इंडस्ट्री में, और 95% एडवाइजर्स 10% इनकम अर्न करते हैं। सोचिए एक बार, 5% एडवाइजर्स 90% इनकम अर्न करते हैं और 95% एडवाइजर्स 10% इनकम अर्न करते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है। उसके पीछे का जो मेन रीजन है वो है पार्ट टाइम, आधा अधूरा, आधा अधूरा चलता है। लेकिन जो टॉप के 5% एडवाइजर्स हैं वो टोटली प्रोफेशनल्स हैं, फुल टाइमर्स हैं, अपने आप को बिजनेस में टिकाए रखते हैं ताकि उसकी इनकम जो है बढ़ सके और बाकी सबसे वो कंपीट कर पाए। ये 5% एडवाइजर्स क्या करते हैं, कौन सी चीजों पर ध्यान देते हैं, आज वो सब पूरे टॉपिक्स दोस्तों इसके अंदर हम कवर अप करने वाले हैं। 95% जो एडवाइजर्स है, 95% एडवाइजर्स रेड सी में काम करते हैं। रेड सी क्या है दोस्तों, 95% एडवाइजर्स कौन कौन सी जगह पर काम करते हैं, वो
छोटे बिजनेस पर ध्यान देते हैं, छोटे लोगों पर ध्यान देते हैं, ऐसी जगह काम करते हैं जहां पैसे की आने की गुंजाइश कम है, छोटी पॉलिसी, छोटा बिजनेस, छोटा प्रीमियम। 95% का जो फोकस होता है सर्वाइवल के ऊपर होता है, किसी भी प्रकार बिजनेस हो जाए, किसी भी प्रकार जो मिनिमम बिजनेस गारंटी है वो हो जाए, किसी भी प्रकार जो हम क्लब मेंबरशिप, छोटी छोटी मोटी जो क्लब मेंबरशिप है वो बच जाए, किसी भी तरह एजेंसी बच जाए, फोकस में छोटी चीज होने की वजह से जो 95% एडवाइजर्स हैं सिर्फ 10% इनकम लेके जाते हैं, ओनली 10%। और 5% एडवाइजर्स ऐसे हैं जिनका जो फोकस होता है बड़े काम पे, बड़े बिजनेस पे, बड़ी पॉलिसी पे, राइट उनका फुल टाइम फोकस, प्रोफेशनल फोकस उसी चीज पे होता है, इसीलिए वो 90% इनकम ले जाते हैं। और 95% एडवाइजर्स छोटा काम करते हैं, वहां भीड़ बहुत होती है, कंपटीशन ज्यादा होता है, रिबेट का इश्यू ज्यादा होता है, खींचातानी ज्यादा होती है और तारीखें बहुत पड़ती हैं, क्लोजिंग कम होता है। 95% एडवाइजर्स आर वर्किंग इन अ रेड सी। आप देखिएगा, कई बार आपके मन में विचार आता होगा जैसा मैंने सोचा वैसी इनकम नहीं आ रही है, कंपटीशन बहुत है। सो कौन कौन सी कंपटीशन है, कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, क्या क्या हो सकता है, उसके ऊपर हम आते हैं साथियों। फाइव परसेंटेज एडवाइजर्स हैं जो ब्लू ओशन में काम करते हैं, जहां पर कोई उनका कॉम्पिटिटर ही नहीं होता, अगर होता है तो बहुत दूर होता है, बहुत कम होते हैं। सो 5% एडवाइजर्स जो 90% इनकम लेके जाते हैं वो ऐसे सेगमेंट में काम करते हैं जहां बाकी के 95% सोचते भी नहीं। बड़ी पार्टी, बड़ा प्रपोजल, बड़ा प्रोस्पेक्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, HNI, NRI, मैं कहना चाहूंगा कि पिछले 6 महीने में बहुत सारे साथियों को हमने NRI बिजनेस के लिए डेवलप किया, उनको तैयार करवाया, एंड दे आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल बिजनेस इन NRI सेगमेंट। ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिनको NRI के बारे में कुछ भी पता नहीं था बट अभी मस्त बिजनेस कर रहे हैं। ऐसे भी साथी हैं जिन्होंने एक पॉलिसी में MDRT कंप्लीट कर दिया। सो जिस सेगमेंट में 95% लोग जाने से डरते हैं, एक अंदर से भय होता है, डर का मतलब ऐसा नहीं कि डरते हैं, एक अंदर से फियर होते हैं। आज मैं वो 5 फियर आपके साथ शेयर करने वाला हूं, उन फियर्स की वजह से बहुत सारे एडवाइजर्स वहां तक नहीं जाते। और 5% एडवाइजर्स हैं आराम से, मस्ती से, अपनी लय में, अपनी धुन में बिजनेस करते हैं और जो इनकम का 90% हिस्सा है ले जाते हैं। अब आते हैं उसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, हमारे बिजनेस में 3 लेवल की कंपटीशन होती है। 3 लेवल की कंपटीशन, जैसे मैंने रेड सी और ब्लू सी आपको बताया, ये नॉर्मल एडवाइजर्स भीड़ में काम करते हैं, इतने सारे लोग होते हैं कि मूवमेंट करना, फास्ट तरीके से चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो चल रहे हैं, 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 दीज आर नॉर्मल एडवाइजर्स। ये 3 लेवल की कंपटीशन होती है। आपको किस लेवल की कंपटीशन में देखिएगा, पहले लेवल का कंपटीशन जहां पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ऐसा सेगमेंट जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में है। उसके बाद दूसरे एडवाइजर्स आते हैं, MDRT एडवाइजर्स, एक लेवल के ऊपर पहुंचते हैं तो उस लेवल में काम करते रहते हैं MDRT एडवाइजर्स, और उसके ऊपर आते हैं TOT एडवाइजर्स। आप देखिएगा, जितना नीचे होंगे उतनी भीड़ ज्यादा होगी, उतनी कंपटीशन ज्यादा होगी, और जितना ऊपर जाएंगे उतनी भीड़ कम होती जाएगी, उतनी कंपटीशन कम होती जाएगी। सो ये 3 लेवल के जो सेगमेंट हैं, उनमें से आप अपने लिए चेक करें आप किस सेगमेंट में कहां पर कंपीट कर रहे हैं। आप TOTs के साथ कंपीट कर रहे हैं, आप MDRT के साथ कंपीट कर रहे हैं, या आप सभी के साथ कंपीट कर रहे हैं।
अपने आप को चेक कीजिएगा, जो आज मैं बातें कर रहा हूं बहुत दिल से आपके साथ कर रहा हूं। आर यू अ नॉर्मल एडवाइजर कम्पीटिंग विथ ऑल? आर यू एन एमडीआरटी एडवाइजर कम्पीटिंग विथ अ फ्यू? और यू आर अ टीओटी एडवाइजर के एक लेवल के ऊपर ही आपके साथ कॉम्पिटिशन आती है, तब तक आती नहीं है। दोस्तों, देर इज ओल्ड एंड न्यू वर्जन ऑफ बिजनेस कॉम्पिटिशन, देर इज ओल्ड एंड न्यू वर्जन ऑफ बिजनेस कॉम्पिटिशन। दुनिया बदल रही है, वर्ल्ड इज चेंजिंग फास्ट। क्या मैं खुद उसकी तैयारी कर रहा हूं? क्या मैं तैयारी कर रहा हूं? दुनिया बहुत फास्ट बदल रही है, कॉम्पिटिशन बहुत फास्ट बदल रही है। कॉम्पिटिशन कैसे फास्ट बदल रही है दोस्तों, ये देखते हैं। ओल्ड वर्जन ऑफ कॉम्पिटिशन था, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है ना, बड़ा प्राणी छोटे प्राणी को खाता है। पहले का ये कॉम्पिटिशन था, बड़ी मछली छोटे मछली को खाती है। राइट और रॉन्ग? बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खाती है, बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खाती है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, बड़ा जानवर छोटे जानवर को खाता है। यह पुराना वर्जन था दोस्त, अभी का वर्जन बदल चुका है। अभी का वर्जन ऐसा हो गया है कि जो फास्ट है वो स्लो को खा लेता है, जो कंपनी फास्ट है वो स्लो कंपनी को खा लेती है। यहां पर मैं कुछ कंपनियों के नाम यहां पर नहीं लूंगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आज के जमाने में, टेक्नोलॉजी के बदलते युग में, जो फास्ट चल रहा है, जो फास्ट डिसीजन लेता है, जो फास्ट सोचता है, जो फास्ट काम करता है, वो जो स्लो काम करता है उसको खा जाता है। आज ऐसा नहीं है कि बड़ा छोटे को खा रहा है, आज के बदलते कॉम्पिटिशन में जिसकी स्पीड ज्यादा है, जो डिसीजन जल्दी लेता है, जो अपने बिजनेस को बदलने के लिए फास्ट सोचता है, हाँ मुझे ये करना है, ठीक है, नफा होगा नुकसान होगा, सक्सेस होगा फेल होगा, बात की बात है, नफा होगा नुकसान होगा, सक्सेस होगा फेल होगा, बात की बात है, सोचता फास्ट है, काम फास्ट करता है, डिसीजन फास्ट लेता है, वही सक्सेसफुल आज के जमाने में फास्ट होता है। सो आइए एक बार फिर से देखते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को आज दिल खोल के देखो, जो आज आप चैट कर रहे हैं वो बाकी सब लोग नहीं देख सकते, जो आप चैट कर रहे हैं आप मेरे साथ कर रहे हैं, राइट, जो भी आप चैटिंग करेंगे मेरे साथ करेंगे। तो पहले आप बताइए आपको कौन सी स्ट्रेटेजी सही लग रही है, बड़ा छोटे को खा रहा है वो स्ट्रेटेजी पहले थी, उसमें डर ज्यादा था, बड़ा छोटे को खा रहा है, या नई स्ट्रेटेजी नया कंपटीशन आ रहा है जहां पर जो फास्ट वाला है, जो फास्ट चल रहा है, फास्ट डिसीजन ले रहा है, वो स्लो वाले को खा रहा है। बहुत सारे लोग स्लो हैं, वो फिनिश हो जाएंगे, जो लोग स्लो हैं वो फिनिश हो जाएंगे, जो लोग फास्ट हैं वो आगे बढ़ेंगे, जो लोग फास्ट हैं वो नई दुनिया में, नए स्ट्रक्चर में, नए बिजनेस में अपना डंका बजाएंगे। आज के जो मैं सिद्धांत सिखा रहा हूं आपको, ये जब आप HNI से बात करते हैं तब ये छोटी बातें भी आपको भीड़ से अलग करती है। मेरे कुछ भी डायलॉग्स आपको, जो भी मैं सिखाता हूं वो आपको आम जनता से खास बनाती है, आपको भीड़ से अलग करती है दोस्तों। इसीलिए मैंने पहले बोला था नोट और पैड लेके बैठिएगा। सक्सेस इज इक्वल टू स्पीड इन द राइट डायरेक्शन। आज के जमाने में सक्सेस उसी को कहा जाता है, सक्सेस उसी को मिलती है जो सही स्पीड और सही डायरेक्शन, फट 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 काम करता है, जो सिर्फ सोचता है, देखता हूं करता हूं बदलता हूं करते हैं अब क्या जल्दी है फिनिश, है ना। कुछ लोगों का फिलोसॉफी क्या होता है सुन लेना, कुछ दोस्तों का फिलॉसफी होता है काल करे आज करे सो काल कर, काल करे सो बरसो, ऐसी भी क्या जल्दी है जब पड़े हैं बरसों। दोस्त जमाना बदल रहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय हो जाए फिर करेगा कब। आज के जमाने में जीतता वही है, विक्टोरियस वही है, विक्ट्री उसी के पास आने वाली है जो फास्ट पेस के साथ काम करेगा और बड़ी साइज के साथ काम करेगा।
आई रिपीट, फास्ट पेस पे काम करेगा और बड़ी साइज पे काम करेगा वही जीतेगा, क्योंकि जमाना बदल चुका है। अभी सिर्फ बड़ी मछली छोटी मछली को नहीं खा रही है, अब फास्ट मछली स्लो मछली को भी खा रही है। पहले सिर्फ बड़ी मछली छोटी मछली को खाती थी, अब जमाना बदल चुका है। बड़ी मछली छोटी मछली को तो खाती ही है, साथ में जो फास्ट मछली है वो स्लो मछली को भी खा जाती है, फिर भले ही वो बड़ी क्यों ना हो। सो कंपटीशन बदल रही है, जमाना बदल रहा है, LIC का IPO भी आ रहा है। सो आने वाले वक्त की तैयारी आपको आज से करनी है, राइट? व्हाई HNI बिजनेस क्यों करना चाहिए? बहुत सारे दोस्तों के मन में सवाल होगा, भाई मेरे को कॉरपोरेट बिजनेस क्यों करना चाहिए, मुझे क्यों HNI बिजनेस करना चाहिए, HNI का मतलब क्या? कुछ साथी तो पूछते हैं, सर HNI का मतलब क्या? मैं कभी भी किसी के भी साथ जो सवाल होता है उसको जवाब देता हूं। कुछ साथी ने कमेंट किया कि सर HNI का मतलब क्या? HNI का मतलब है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जिसकी जो नेटवर्थ है, जिसकी जो आप बोल सकते हैं कीमत नहीं बोल सकते, लेकिन उसको आप बोल सकते हैं। कैसे नहीं, आप पुराने जमाने में बोलते थे कि करोड़पति है, ये लखपति है, ये करोड़पति है, ये अरबोपति है, है ना? तो वो उसकी हो गई फाइनेंशियल वैल्यू, है ना? ये इतने का आदमी, एक सिंपल भाषा में बताऊं, कई बार कैसे बोलता है, बॉस ये तो करोड़पति है, अरबोपति, इज HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। सो क्यों HNI में बिजनेस करना चाहिए दोस्तों? तो दुनिया का ये दूसरा सिद्धांत है, रिचेस मेक यू रिच। इस चीज को लिख लीजिएगा, रिचेस मेक यू रिच। इस चीज को दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप लिख लें, रिच मेक यू रिच। शाहूकार ही आपको शाहूकार बना सकता है, रिच मेक यू रिच। इस सिद्धांत को लिख लीजिए अभी का अभी आपकी डायरी में, रिच मेक यू रिच। दोस्तों शाहूकार ही आपको शाहूकार बनाता है, धनवान ही आपको धनवान बनाता है। इसीलिए जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो जितने भी धनवान हैं, जो भी सुखी हैं, जो भी संपन्न हैं, जो भी आपसे आगे हैं, जो भी आपसे सक्सेसफुल हैं, जिनके बिजनेसेस हैं, जिनकी इंडस्ट्री है, जो सक्सेसफुल है, उनके साथ नाता हमेशा बनाए रखें, उनके साथ चले, उनको देखें, उनको फॉलो करें, आप भी वहां तक पहुंचेंगे। क्योंकि जैसे कहा जाता है, जैसा संग वैसा रंग, जैसा संग वैसा रंग। आपकी पर्सनालिटी क्या है, एक छोटी सी बात बताऊंगा, आपकी पर्सनालिटी क्या है? जिन भी पांच लोगों से आप उठते बैठते हैं, जिन भी पांच लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं हमेशा, उनकी टोटल पर्सनालिटी आपकी पर्सनालिटी है। जिन पांच दोस्तों के साथ, जिन पांच साथियों के साथ, जिन पांच लोगों के साथ आप कंटिन्यूअस बिजनेस करते हैं, कंटिन्यूअस टच में रहते हैं, उन्हीं की एवरेज पर्सनालिटी आप बन जाते हैं। सो धनवान के साथ बिजनेस करने के लिए, सक्सेसफुल आदमी के साथ बिजनेस करने के लिए जब आप लगातार कोशिश करते रहेंगे तो उन पांच लोगों की एवरेज पर्सनालिटी आप बनेंगे, आप भी धनवान बनेंगे, आप भी सक्सेसफुल बनेंगे, आप भी मशहूर बनेंगे। सो रिच इज मेक यू रिच, धनवान ही आपको धनवान बनाता है दोस्तों। What is the scope for HNI and corporate business? कई दोस्तों को लगता है कि सर अभी corporate business और HNI के business का scope क्या है, क्या हम कर पाएंगे, क्या reasons हैं, उसके ऊपर हम आते हैं दोस्तों। क्या यह COVID के समय में possible है? बिल्कुल possible है। किस तरह से, आइए उसको देखते हैं। आज मैं आपको एक जो email बताने वाला हूं ना दोस्तों,
जो मैं आज आपको एक ईमेल का सैंपल बताने वाला हूं, किस तरह से बिजनेसमैन को, एचएनआई को, कॉरपोरेट को मेल भेजना चाहिए, प्रोस्पेक्ट को, अननोन आदमी को किस प्रकार का मेल भेजना चाहिए, आज मैं उसका आपको सैंपल दिखाने वाला हूं। सो जो लोग साथ में बने रहेंगे वह लोग इसका लाभ लेंगे, और वह मैं लास्ट में आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरह से कॉरपोरेट को, अननोन आदमी को, कंपनी को किस तरह से मेल भेजना चाहिए, उसमें क्या लिखना चाहिए, उसका टाइटल क्या होना चाहिए, राइट। कुछ दोस्तों ने पूछा, सर क्या कोविड के समय में, अभी अफरा तफरी तो पूरे संसार में लगी पड़ी है, इस परिस्थिति में क्या हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, उसका रीजन बताता हूं क्यों। 2020 में दोस्तों 607 नए बिलियनर्स बने, 2020 की बात कर रहा हूं मैं, जब कोविड पूरे पीक पे था, कोविड की शुरुआत थी, 2020 के साल में सबसे ज्यादा 607 नए बिलियनर बने इस दुनिया में, और इसका मतलब तीन बिलियनर हर दो दिन में। बिलियन एक बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों, मिलियनर्स आपने सुना होगा, बिलियनर्स बहुत कम होते हैं, और 2020 में हर दो दिन में तीन बिलियनर बने कोविड के समय में। इसका मतलब शाहूकार और शाहूकार बना, इसका मतलब धनवान और धनवान बना। और अगर इंडिया को ध्यान में रखते हैं, अगर हम इंडिया को ध्यान में रखते हैं साथियों, तो इंडिया में 55 नए बिलियनर बने, 55 नए बिलियनर बने 2020 में। इसका मतलब है तकरीबन हर एक सप्ताह में एक बिलियनर, तकरीबन हर सप्ताह में एक बिलियनर बना। सो क्या बिजनेस की सीमा हो सकती है, बिजनेस कहां तक पहुंच सकता है, उसको एक बार सोचिएगा। मैं मिलियनर्स की बात नहीं कर रहा, मैं बिलियनर्स की बात कर रहा हूं। एशिया के रिचेस्ट लोगों में इंडिया के लोग आए, उनकी संपत्ति बहुत ज्यादा बढ़ी कोविड के समय में। कोविड के समय में लोगों ने फ्लोटिंग हाउसेस लिए, तैरते घर लिए। कोविड के समय में जो दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में से आती है रोल्स रॉयस, 1380 कार बेची गई कुछ महीनों में, 2020 की बात कर रहा हूं, 62% ग्रोथ के साथ, पिछले 116 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया रॉयल्स रॉयस ने, 116 साल का रिकॉर्ड टूटा कोविड के समय में। दोस्तों आपको अपनी मनोस्थिति को समझना है, परिस्थिति तो बदलती रहेगी, मनोस्थिति सबसे इंपॉर्टेंट है बिजनेस को चेंज करने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी फटाफट ये दो नंबर आपके डायरी में लिख लें और इसको सेव कर दें आपके मोबाइल में, ये हमारे ऑफिस के नंबर है, कभी भी अगर आपको काम हो तो आप इन दो नंबर्स पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो आई विल गिव यू फ्यू सेकेंड्स, आपके पास 5 सेकंड है, फटाफट दोस्तों लिख लीजिए। ये हमारे ऑफिस के नंबर हैं, कृपया करके आप लिख लीजिएगा, आपको जरूर पढ़ने वाली है इन नंबर्स की। कौन से 5 फियर्स होते हैं दोस्तों नॉर्मल एडवाइजर को, एचएनआई को मिलने के लिए, किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को, किसी भी बड़े डॉक्टर को, किसी भी बड़े एडवोकेट को मिलने में कौन से 5 फियर हमारे मन में चलते रहते हैं, यह मैं आपसे अभी शेयर करूंगा। सबसे पहला, हाउ कैन आई कॉन्टेक्ट देम, मैं उनको कॉन्टेक्ट कैसे करूंगा, ये सबसे पहले मन में चलता रहता है। अरे यार मैं करना तो चाहता हूं, मैं चेन्नई के साथ बिजनेस करना चाहता हूं, लेकिन मैं उनको कॉन्टेक्ट कैसे करूंगा। दूसरा फियर आता है, चलो सर मैं जोश में आ गया, मैं चला गया, बात करने पहुंच गया, फैक्ट्री चला गया, ऑफिस चला गया उनके, विल दे ट्रीट मी वेल, क्या मैं अंदर तक पहले पहुंच पाऊंगा, अगर पहुंच गया तो मेरे को ट्रीटमेंट कैसी मिलेगी। ये मन में एक थिंकिंग, एक फियर, एक हल्का सा पतला सा डर रहता है, और ये हरेक के मन में होता है, ये हरेक के मन में होता है, वो टॉप का आदमी हो, बॉटम का आदमी हो, एक फियर जो होता है दोस्तों वो रहता है। तीसरा, हाउ शुड आई स्टार्ट,
चलो भगवान की कृपा हुई, कॉन्टेक्ट मिल गया, भगवान की कृपा हुई, आप वहां पहुंच गए। शुरुआत कैसे करनी, क्या बोलना है? HNI के साथ अगर मुझे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, बिजनेस करना है, बात करना है, डील करना है, बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो शुरुआत कैसे करनी है? पहला मेल मुझे कौन सा भेजना चाहिए? बहुत सारे दोस्तों को मन में सवाल आता है कि पहला मेल कौन सा भेजना चाहिए, है ना? नए आदमी को जिसको आप पहचानते नहीं, उसको कैसे पहला मेल भेजना चाहिए? दोस्तों मैं लास्ट में आपको वो एक सैंपल भी दिखाने वाला हूं। हाउ शुड आई स्टार्ट, व्हाट आर देयर एक्चुअल नीड्स, उनकी एक्चुअल नीड्स कौन सी होती है HNI की? क्योंकि अगर मुझे ये पता ही नहीं है कि सामने वाले मेरे साथी को क्या पसंद है, तो मैं ऑफर क्या करूंगा? अगर मुझे पता ही नहीं है कि उनकी रियल नीड्स क्या है, तो मैं ऑफर क्या करूंगा, कौन सा प्रोडक्ट दूंगा, कैसे बात की शुरुआत करूंगा? अच्छा, मैं उनकी नीड जानूंगा कैसे? यह भी तो बहुत बड़ा प्रश्न आता है। एंड डू आई हैव द प्रोडक्ट्स टू सेटिस्फाई देयर रियल नीड्स, क्या मेरे पास उनकी जो नीड्स हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए रियल प्रोडक्ट्स हैं, या मुझे बनाने हैं तो मैं कैसे बनाऊं, या जो मेरे पास प्रोडक्ट है उनकी रियल नीड्स को मैं सेटिस्फाई कर पाऊंगा, या 5 ईयर में उनको कैसे मिलूं, वो मुझे कैसे ट्रीट करेंगे, मैं कैसे शुरुआत करूं, उनकी एक्चुअल नीड्स क्या है, और क्या मेरे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो उसकी रियल नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए। दोस्तों बहुत सारे साथी मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि डू बिलियनेयर नीड इंश्योरेंस, जो रिचेस्ट पर्सन है, जो बिलियनेयर्स हैं, क्या उनको इंश्योरेंस की जरूरत होती है, क्या उनको इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है, क्या वो इंश्योरेंस खरीदते हैं? आपका आंसर मुझे अभी मिलना चाहिए। मेरा एक सवाल है आपसे, क्या बिलियनेयर्स इंश्योरेंस खरीदते हैं? डू बिलियनेयर्स बाय इंश्योरेंस? आपके लिए मैंने ओपन किया है, फटाफट आप आंसर देंगे, फटाफट आंसर दीजिएगा, क्योंकि सिर्फ मैं अकेला बोलूंगा तो आपको भी मजा नहीं आएगा दोस्तों, और मैं चाहता हूं कि आप बहुत कुछ सीखें, बहुत कुछ जानें, और वो हो पाता है सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन से, सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन से। दोस्तों फैंटास्टिक फैंटास्टिक, प्रतीक जी ने जवाब दिया, उमेश जी ने जवाब दिया, सब साथी जवाब दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, बहुत सारे साथी जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो फिर से उसी पॉइंट पे आते हैं, मन में एक सवाल उठता है बहुत सारे लोगों को, सर आपने बात तो की, तो जो बिलियनर्स होते हैं क्या इंश्योरेंस वो लेते हैं? वो तो बोलते हैं कि हमारे 7 पीढ़ी तक पैसे चल सके, इतने हमारे पास पैसे है, व्हाई वी नीड एन इंश्योरेंस, राइट? इसका भी मैं आपको जवाब देने वाला हूं। राइट क्वेश्चन कन्वर्ट्स नो टू यस विद अ बिग प्रीमियम। जब आप किसी को भी सही सवाल पूछते हैं, सही समय पर पूछते हैं, तो वो नो को यस कन्वर्ट कर देता है, नो को यस में कन्वर्ट कर देता है। दोस्तों आते हैं उसका मैं जवाब आपको देने वाला हूं। क्या HNI को इंश्योरेंस भेजना इजी है? यह भी कई दोस्तों का सवाल आता है, उनके मन में आता है, एवरीथिंग इज हार्ड बिफोर इट बिकम्स इजी। दुनिया में हर एक चीज टफ होती है इजी होने से पहले, हार्ड होती है इजी होने से पहले, मुश्किल होती है इजी होने से पहले। दुनिया में कोई भी चीज पहले से इजी नहीं होती। बच्चा जब चलना सीखता है ना, जब बच्चा पहली बार चलना सीखता है, उसके लिए वह सबसे मुश्किल काम होता है, डरता है, नहीं चलता, फिसलता है, गिरता है, फिर उसको मोटिवेट करके उठाते हैं और वो चलता है। सो दुनिया में कोई भी चीज जो होती है दोस्तों, हार्ड होती है इजी होने से पहले। अब देखिए, ब्लू ओशियन और रेड ओशियन का मैं फिर से आपसे बात करना चाहूंगा। बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं, वो 100 इंश्योरेंसेस कर देते हैं, 100 क्लाइंट्स का बिजनेस कर देते हैं, 100 पॉलिसीज दे देते हैं,
और एवरेज समझ लो 25,000 का पॉलिसी, 100 पॉलिसी किया 25 लाख का प्रीमियम हुआ। और स्मार्ट साथी क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, स्मार्ट बनते हैं, मेहनत करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, और एक ही पॉलिसी 25 लाख का प्रीमियम डन, दूसरी पॉलिसी 50 लाख का प्रीमियम डन, तीसरी पॉलिसी 50 लाख का प्रीमियम डन। आप कौन से सेगमेंट में आना पसंद करेंगे, 25,000 वाली पॉलिसी या 50 लाख वाली पॉलिसी? दोस्तों इंटरेक्ट करते रहिएगा, आपको कौन सा पॉलिसी में ज्यादा मजा आएगा, 50 लाख वाली पॉलिसी, 25 लाख वाली पॉलिसी या 25,000 वाली पॉलिसी? कौन सी पॉलिसी में आपको सबसे ज्यादा मजा आएगा, आप चाहेंगे कि वो कंटिन्यू करें? स्मार्ट वर्क के लिए दोस्तों आने वाले समय में छोटी पॉलिसी आपको सर्व करना नहीं परवड़ेगी। आने वाले समय में परिस्थितियों में बदलाव होगा। सो उम्मीद है आपको यह पसंद आएगा कि 25 लाख की पॉलिसी की, 50 लाख की पॉलिसी की, उस पर मेहनत की। मेहनत लगती है दुनिया में, मेहनत हर एक चीज में लगती है, लेकिन स्मार्ट आदमी पहले मेहनत करता है, पहले मेहनत करता है, अपने आप को तैयार करता है। दोस्तों क्या सोचिए, इन चीजों के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे, अभी जो मैं आपसे सवाल पूछने जा रहा हूं, डू यू थिंक दिस कैन हेल्प यू टू बूस्ट योर बिजनेस? डू यू थिंक दिस कैन हेल्प यू टू ग्रो योर बिजनेस? जो मैं अभी आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको लग रहा है कि आपको बिजनेस बढ़ाएंगे? क्या आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं? अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप, बड़ी बड़ी पार्टनरशिप फर्म्स को इंश्योरेंस दे रहे हैं, तो क्या ये आपके बिजनेस को बढ़ाएगा? सोचिएगा, ये तो मेरे सवाल है आपके लिए। अगर आप LLP इंश्योरेंस करते हैं, तो क्या आपके ये बिजनेस को बूस्ट करेगा? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, अब ये नया कंसेप्ट आया हुआ है LLP। क्या आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर्स को प्रोटेक्शन देते हैं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के साथ बिजनेस करते हैं, तो क्या ये आपके बिजनेस को ग्रो करेगा, फास्ट ग्रो करेगा, स्मार्ट ग्रो करेगा? एंड क्या कीमेन इंश्योरेंस, अगर आपने स्टार्टअप्स और MSME में फोकस किया, स्टार्टअप्स कीमेन पे ही चलते हैं, स्टार्टअप्स, मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज MSMEs, राइट? MSMEs में अगर आप काम करते हैं, तो कीमेन से क्या आपका इंश्योरेंस का जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा, फास्ट ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा? सवाल है आपके लिए, बहुत सोचना बहुत जरूरी। क्या इन सेगमेंट को भूलकर भी आप छोड़ तो नहीं रहे? HNI को अगर आपने स्ट्रक्चर्ड प्रोटेक्शन प्लान दिया, HNI को आपने स्ट्रक्चर्ड प्रोटेक्शन प्लान, व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर्ड प्रोटेक्शन प्लान साथियों? स्ट्रक्चर्ड प्रोटेक्शन प्लान क्या होता है? कई दोस्त पूछेंगे, सर ये स्ट्रक्चर्ड प्रोटेक्शन प्लान क्या होता है? जो प्रोडक्ट आपकी कंपनी आपको रेडी दे रही है और आप मार्केट में जाके सेल कर रहे हैं, कस्टमर के हिसाब से, कस्टमर की नीड के हिसाब से, उसके प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से, वो सिंपल प्रोडक्ट है, राइट? लेकिन स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट वो होता है जो कस्टमर की नीड के हिसाब से उसको आप तैयार करते हैं, ऐसा ढांचा तैयार करते हैं जो उसको 360 डिग्री लेवल से प्रोटेक्शन देता है, उसकी हर एक नीड को ध्यान में रखता है, उसको कहा जाता है स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट। सो इस सवाल को मैं एक बार फिर से आपके लिए रिपीट करना चाहूंगा, पार्टनरशिप इंश्योरेंस, LLP, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और उसके डायरेक्टर्स, कीमेन इंश्योरेंस फॉर स्टार्टअप्स एंड MSMEs, और HNI स्ट्रक्चर्ड प्रोटेक्शन प्लान्स, क्या इनके ऊपर आप काम करेंगे? करना चाहिए, इस सेगमेंट को आपको इसीलिए नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि मैंने जो 3 कॉम्पिटिशन बताई थी आपको,
भीड़ वाली कंपटीशन, आसमान वाली कंपटीशन और उससे ऊंचाई वाली कंपटीशन। तो जो बिजनेस का टॉप लेयर सेगमेंट है वो यहीं पर काम करता है HNIs के लिए, उनके लिए खास प्रोडक्ट बनाना। सो आप में से कितने दोस्तों को आज की जो प्रेजेंटेशन है वो फ्री में चाहिए? आज जो मैं आपको ये प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं वो मैं चाहूंगा कि मैं आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेजूं। हाउ मेनी ऑफ यू वांट? जिन भी दोस्तों को ये प्रेजेंटेशन चाहिए, आपके हाथ में 5 सेकंड्स हैं, आपका नंबर अभी चैट में। दोस्तों आज की प्रेजेंटेशन आपके लिए बहुत जबरदस्त होने वाली है। उस प्रेजेंटेशन में बहुत सारे नए टॉपिक्स आने वाले हैं। जिनको ये प्रेजेंटेशन चाहिए, अपना नाम या सिर्फ अपना मोबाइल नंबर, इसके अंदर व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, बहुत सारे साथी नंबर डालना है, नाम भी डाल सकते हैं नंबर भी डाल सकते हैं, नाम नहीं डालेंगे चलेगा, नंबर अगर आप डालेंगे तो आपके व्हाट्सएप पर ही आ जाएगा। और हाँ दोस्तों, आपको चैट में व्हाट्सएप नंबर डालना है। बहुत सारे साथी यहाँ कई बार मुझे डायरेक्ट भेजते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है फटाफट अपना नंबर डालें सो दैट मैं आपको यह प्रेजेंटेशन आपके व्हाट्सएप पर भेज पाऊं आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं। फटाफट दोस्तों, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, आपके व्हाट्सएप पर यह प्रेजेंटेशन आ जाएगा। जो दोस्त रह गए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, अब मैं प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन आप लिखते रहिएगा अपना नंबर, बहुत ध्यान से बहुत आराम से लिखना। भूल में एक छोटा सा भी नंबर आपने गलत लिख दिया, प्रेजेंटेशन किसी और को पहुंच जाएगी, वो सोचेगा ये को किसने भेजी है, किस काम की है। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, नंबर जो है वो बिल्कुल ध्यान से आराम से सही डालिएगा। अभी आ जाते हैं दोस्तों, जिन्होंने व्हाट्सएप नंबर डाल दिया उनके पास प्रेजेंटेशन आ जाएगी। मैं हर बार जो भी नई चीज सिखाता हूं, आज की प्रेजेंटेशन लास्ट वीक के प्रेजेंटेशन से बिल्कुल अलग होगी, सो इसके ऊपर ध्यान दें। अब आते हैं दोस्तों, कौन से 4 क्रिटिकल रिस्क होती है बिजनेसमैन के लिए, एमएसएमईज के लिए 4 क्रिटिकल रिस्क कौन सी होती है। आज मैं ईमेल का मैंने आपको वादा किया है, अंत में मैं आपको ईमेल का एक पूरा सैंपल दिखाने वाला हूं, किस तरह से अननोन बिजनेसमैन को HNI को ईमेल किस प्रकार का भेजते हैं हम और किस प्रकार का भेजना चाहिए। सो दोस्तों, बिजनेसमैन का सबसे बड़ा रिस्क कौन सा होता है, 4 कौन सी क्रिटिकल रिस्क होती है जब आप बिजनेसमैन को इसके ऊपर बात करते हैं। उसकी पहली क्रिटिकल रिस्क होती है सक्सेशन रिस्क। सक्सेशन रिस्क का मतलब ऐसा होता है कि उसको अगर कुछ हो गया तो बिजनेस का क्या होगा, पॉइंट 1। और अगर आने वाले समय में उसने इतने बड़े बिजनेस को तैयार किया है, कुछ इंडस्ट्री में बदलाव आ गया, कुछ सरकार के नीतियों में बदलाव आ गया, पेंडेमिक जैसी परिस्थिति आ गई, या वो रिटायर हो गया, तो इस बिजनेस को सही हाथों में कैसे दे। इसका मतलब वो बिजनेस में से जब निकलेगा तो पीछे जिसको बिजनेस दे के जाएगा उसकी चिंता उसको होती है। पहला सक्सेशन रिस्क, बाद में कौन संभालेगा उस बिजनेस को। दूसरी रिस्क होती है बिजनेस इंसॉल्वेंसी रिस्क। कुछ परिस्थितियां, फाइनेंशियल परिस्थितियां ऐसी हो गई, कुछ भी, आज मार्केट जो है बहुत फास्ट बदल रहा है, आज मार्केट बहुत फास्ट बदल रहा है, कुछ अगर ऐसी चीज हो गई, कुछ ऐसी अनहोनी हो गई जिसकी वजह से बिजनेस को कंपलसरी प्रेशर के साथ मजबूरन इंसॉल्वेंसी में जाना पड़ा, तो परिवार को प्रोटेक्शन कौन देगा। बिजनेस अगर इंसॉल्वेंसी की तरफ गया तो परिवार को प्रोटेक्शन कौन देगा। तीसरी, पर्सनल लायबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स। आज एक छोटी सी गलती परेशान कर देती है बिजनेसमैन को, आज छोटी सी गलती की वजह से डायरेक्टर्स की लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, ऑफिसर्स की लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है,
बहुत सारे लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, तो यह भी एक रिस्क रहता है जो बिजनेसमैन के माइंड में चलता रहता है। सक्सेशन रिस्क चलता है, उसके बाद इंसॉल्वेंसी रिस्क चलता है, उसके बाद पर्सनल लायबिलिटीज, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पर्सनल लीगल चैलेंजेस, पर्सनल लीगल लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। और चौथी दोस्तों बिजनेस में क्रिटिकल रिस्क होती है, प्रिजर्वेशन ऑफ पर्सनल वेल्थ। बिजनेसमैन को सबसे बड़ा टेंशन क्या होता है कि ये जो भी मैंने खड़ा किया है, एम्पायर खड़ा किया है, इतना बिजनेस खड़ा किया है, इतनी इनकम खड़ी की है, इतने प्रॉपर्टीज बनाया, खून पसीना देके बिजनेस जनरेट किया है, अगर कुछ ऐसा हो गया, अगर कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से जो भी बिजनेसमैन की पर्सनल वेल्थ है, बिजनेस की रिस्क अगर उस पे आ गई और उसको ले गई, तो ये सबसे बड़ी रिस्क होती है। आज आप देखिएगा, दो दिन पहले एक न्यूज आया है, कि यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध छिड़ा, उसमें रशिया का जो सबसे बड़ा रिचेस्ट पर्सन है, उसकी जो वेल्थ है 35 बिलियन, आई एम टॉकिंग अबाउट बिलियन, 35 बिलियन डाउन चली गई। इसको बोलते हैं दोस्तों बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क बिजनेसमैन को ही पता होती है, और अगर आप जिस दिन बिजनेसमैन के साथ बिजनेस रिस्क की बात करेंगे, उस दिन वो आपको प्यार करेगा, आपकी इज्जत करेगा। बिजनेसमैन के साथ जब बिजनेस रिस्क के ऊपर आप बात करते हैं, तो उसको लगता है कि मुझे समझने वाला कोई है, मेरी बात सुनने वाला कोई है, किसी को तो पता चलता है, बाकी प्रोडक्ट से कुछ नहीं होता। आइए देखते हैं आगे। ये चार होते हैं दोस्तों, सक्सेशन रिस्क, बिजनेस इंसॉल्वेंसी रिस्क, पर्सनल लायबिलिटी एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पर्सनल वेल्थ। इन चार के ऊपर आप बिजनेसमैन को बात करो, देखो वो आपकी इज्जत करेगा, आपको प्यार करेगा, आपको रिस्पेक्ट देगा, आपने सोचा नहीं होगा उस प्रकार का आपको वेलकम मिलेगा। सो व्हाट अल्ट्रा एचएनआई वांट्स, अब नई चीज आ गई आपके मन में, यह भी होगा कि मैं इनको दूं क्या, तो सबसे पहले मैं दूं क्या, उससे पहले मुझे यह पता होना चाहिए कि अल्ट्रा एचएनआई को चाहिए क्या, अल्ट्रा एचएनआई को दोस्त चाहिए क्या, जो हाई रिच पीपल है उनको मैं क्या दूं, किस चीज की बात करूं, अल्ट्रा एचएनआई को चाहिए क्या। अगर हम उनको बोलेंगे चाइल्ड एजुकेशन या चाइल्ड मैरिज, इट विल नॉट वर्क। शब्दों का बदलाव होना बहुत जरूरी है। अल्ट्रा एचएनआई को चाहिए क्या, आइए देखते हैं साथियों। सबसे पहले दोस्तों अल्ट्रा एचएनआई को चाहिए होता है कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस अगेंस्ट बिजनेस डिसरप्शन। जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, उनके अंदर मन में एक पॉइंट होती है कि जो भी मैंने आज तक खड़ा किया है वो बिजनेस कंटिन्यू होना चाहिए। हालात अगर थोड़े टेढ़े मेढ़े हो गए, हालात बदल गए, फिर भी मेरा बिजनेस चलना चाहिए, यह बिजनेसमैन की सबसे पहली अंदर दिल की ख्वाहिश होती है। उसको टच तो करो, उस बिजनेसमैन की उस इच्छा को टच तो करो, देखो फिर आपकी रिस्पेक्ट, आपकी डिग्निटी, आपका बिजनेस कैसे आगे बढ़ता है। नियम मैंने कौन सा बताया, धनवान ही आपको धनवान बना सकता है। तो जो धनवान है उसके टेंशन, उसकी चिंताएं, उसके कंसर्न समझो तो सही, तभी तो वो आपको भी धनवान बनाएगा। सो पहला, कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस अगेंस्ट बिजनेस डिसरप्शन। दोस्तों आज के इस बदलते युग में, फास्ट बदलते युग में, जब मैंने पहले एक रिस्क आपको बताया कि पहले की रिस्क थी बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, आज की रिस्क बड़ी मछली के साथ साथ फास्ट मछली स्लो मछली को खाती है। दिस इज ऑल्सो रिस्क। सो बिजनेसमैन की, अल्ट्रा एचएनआई की सबसे पहली नीड होती है कि मेरा जो बिजनेस है किसी भी परिस्थिति में कंटिन्यू होना चाहिए। तो बिजनेस के कंटिन्यूटी के लिए उसको हम कौन सा प्रोडक्ट दें,
उसका बिजनेस चालू रहे उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट दें, और कौन सी परिस्थिति में बिजनेस बंद हो सकता है, और किस प्रकार के उस बंद होने की परिस्थिति में हम उसको प्रोटेक्शन दे सकते हैं। दूसरा, लिक्विडिटी। अल्ट्रा एचएनआईज के पैसे अगर सब जगह फंस जाएं तो उनको पसंद नहीं आता। उनकी दूसरी रिक्वायरमेंट होती है कि मेरे जो पैसे हैं वो लिक्विड होने चाहिए, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। सो सेकंड रिक्वायरमेंट उनकी हमेशा होती है, उनकी जो नीड होती है वो होती है लिक्विडिटी। थर्ड नीड होती है लाइफ लॉन्ग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। जो भी बड़ा बिजनेसमैन होता है, जो एचएनआई होता है, उसका जो धीरे धीरे ईगो, सेटिस्फेक्शन, डिग्निटी ये बढ़ती है, तो उसकी तीसरी नीड क्या होती है कि जिंदगी में कभी भी मुझे किसी के भी सामने हाथ फैलाना नहीं पड़े। ये उसकी तीसरी इंटरनल नीड होती है जो आपको समझनी है। मैं ये पूरी समझा रहा हूं दोस्तों, अगर आपने इन जो नीड्स में आपको समझा रहा हूं इसके ऊपर आपने बात की किसी भी एचएनआई के साथ, देखो आप जो सोचते हो ना कि क्या वो मुझे ट्रीट करेगा, क्या वो मुझे अच्छी तरह ट्रीट करेगा, क्या मेरी रिस्पेक्ट होगी, क्या बैरियर्स तो नहीं आएंगे, मैं बात कैसे शुरुआत करूं, ये सब चीज मैं धीरे धीरे आपको बता रहा हूं। आज के मेरे ये शब्द दिल से आ रहे हैं, इसको लिख के रखिएगा। एचएनआई ने दोस्तों जमीन से सब कुछ क्रिएट किया हुआ होता है। उसने गर्मी देखी, सर्दी देखी, धूप देखी, तूफान देखा, मेहनत की, उसमें से बिजनेस को बड़ा किया है। तो पहली नीड होती है कि किसी भी परिस्थिति में बिजनेस बंद नहीं होना चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए। उसकी हिडन तीसरी नीड होती है कि जिंदगी में मुझे किसी के आगे यूं नहीं करना पड़े। सो इट इज हिज थर्ड डीप रूटेड डिजायर। उसके मन की बात होती है कि मुझे कभी भी किसी से पैसे लेने नहीं पड़े। और दोस्तों चौथी नीड होती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेल्थ, कि जो मैंने अब तक बनाया है वो और बढ़ना चाहिए, जो मैंने अब तक बनाया है वो और बढ़ना चाहिए। ये उसकी चौथी नीड होती है। और पांचवी नीड होती है लिविंग बिहाइंड अ लीगेसी, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अ चैरिटेबल कॉज क्लोज टू देयर हार्ट। एक एडवाइजर है इस पांचवें रीजन से, इस पांचवी नीड से, जो कभी भी कई बार हमको इंश्योरेंस के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं लगता, लेकिन ये पांचवी नीड से 50 करोड़ की पॉलिसी बेची थी। पांचवी नीड, लीविंग बिहाइंड अ लीगेसी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अ चैरिटेबल कॉज क्लोज टू देयर हार्ट। एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा आपको। एक बहुत ही सक्सेसफुल एडवाइजर एक बिजनेसमैन के पास गया, बड़े बिजनेसमैन से बात करने गया, तो बड़े बिजनेसमैन ने बोला, भाई म्यूचुअल फंड में मैं इतना कमाता हूं, मेरे बिजनेस में मैं इतना कमाता हूं, ये फालतू के प्रोडक्ट में मैं क्यों पैसे इन्वेस्ट करूंगा, मुझे नहीं करना है। सुना तक नहीं, एडवाइजर को सुना तक नहीं, लेकिन एडवाइजर को एक ट्रिक पता थी, एडवाइजर को एक आइडिया पता थी, एडवाइजर को पॉइंट पता थी कहां से बात की शुरुआत करनी है। 25 मिनट तक साइलेंस रहा, वो अपने काम में रहा, बिजनेसमैन अपना काम कर रहा था, एडवाइजर बैठा रहा, और एडवाइजर ने धीरे से एक सवाल पूछा, एक छोटा सा सवाल, और यह इस पांचवी नीड से रिलेटेड था जो मैंने आपको बताया। और जैसे ही वह सवाल पूछा, बिजनेसमैन ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में थोड़ा सा बदलाव आया, सब काम साइड में रखा और उसको बोला, बताओ, और ऐसे सुनने बैठा। दोस्तों जो 20 मिनट एडवाइजर को बिल्कुल साइड में बिठा के रखा था, न उसको देख रहा था कि ये खुद ही चला जाएगा, ये खुद ही चला जाएगा, उस बात पे 20 मिनट के बाद एडवाइजर ने जो सीखी हुई बात थी, एक छोटा सा सवाल पूछा, और बिजनेसमैन ने सब काम साइड में रख के उसको बोला, हां बताइए प्लीज, और 50 करोड़ की पॉलिसी डील हुई। कौन सी नीड पे, आइए मैं शेयर करता हूं आपके साथ।
कुछ डेटा है, सीक्रेट है, मैं आपको पूरा नहीं बता सकता, सो माफ कीजिएगा, ये हमारे लिए थोड़ा जो मैटर होता है वो सेंसिटिव होता है, मैं किसी का यहाँ पर कई बार बताता हूँ कई बार नहीं बताता हूँ, जो नहीं बताने जैसा होता है वो मुझे कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है दोस्तों। सो लिविंग बिहाइंड अ लीगेसी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अ चैरिटेबल कॉज क्लोज टू देयर हार्ट, इस छोटी सी चीज के ऊपर जब सही पिन पॉइंट क्वेश्चन पूछा गया तो 50 करोड़ की पॉलिसी डील हुई। एट द एंड ऑफ टुडे सेशन में एक बार फिर से आपसे याद दिलाना चाहूंगा किस तरह से HNI सेगमेंट में मेल को ओपन करना चाहिए, कौन सा पहला मेल भेजना चाहिए और किस प्रकार का मेल होना चाहिए बिजनेसमैन के लिए, कंपनी के लिए या प्रमोटर्स के लिए। सो मैं आपको अंत में दोस्तों पूरे का पूरा मेल एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं, उसके लिए मैं खास 10 मिनट रखने वाला हूं। आप सोचिए होता क्या है, छोटी छोटी जगहों में बहुत सारे एडवाइजर्स जब आपस में मेहनत करते हैं तो वो रेड सी में होते हैं। रेड सी में छोटे छोटे काम हो जाते हैं लेकिन बड़े काम में फोकस नहीं होता, ध्यान नहीं होता। रेड ओशन में कंपटीशन जबरदस्त होती है, रेड ओशन में प्रॉफिट बहुत कम होता है, रेड ओशन में प्राइसिंग वॉर होती है, मार्जिन्स नहीं होते और सर्वाइवल भी बहुत मुश्किल होता है। और एक कहावत है, नंगा नहाएगा क्या निचोएगा क्या, इसका मतलब है कि जो रेड ओशन होता है उसमें मजा नहीं है, मजा है ब्लू ओशन। ब्लू ओशन का मतलब होता है जहां कंपटीशन नहीं है, ब्लू ओशन का मतलब है जहां बिजनेस की साइज बड़ी है, ब्लू ओशन का मतलब है कि अगर 2 पॉलिसी कर दी ना तो आप वैकेशन पे जा सकते हो, उसको कहते हैं ब्लू ओशन। 2 बड़े कॉल कर दिया आप वैकेशन में चले जाओ, 2 बड़े डील फाइनल हुए आप वैकेशन पे चले जाओ, उसको कहते हैं ब्लू ओशन। और रेड ओशन का मतलब होता है रोज 2 कॉल और फिर भी काम करना पड़े 12 ही महीना, उसको कहते हैं रेड ओशन। सो जितने भी टॉप के 5% एडवाइजर हैं जो 90% इनकम कमाते हैं वो ब्लू ओशन में काम करते हैं, और जो 95% एडवाइजर सिर्फ 10% कमाते हैं वो रेड ओशन में काम करते हैं, उनको टाइम नहीं होता। जो टॉप के एडवाइजर्स होते हैं साल में 4 बार वेकेशन पे चले जाते हैं, आज मालदीव चले गए, आज सिंगापुर चले गए, आज ऑस्ट्रेलिया चले गए, आज इधर घूमने चले गए, और फेसबुक पे आपने उनके फोटोज देखे होंगे। और जो रेड ओशन में होते हैं वो रोज मार्केट में दौड़ते हैं। सो आप कहां जाना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको कहां होना चाहिए, वेयर वुड यू लाइक टू बी, रेड ओशियन ब्लू ओशियन। रेड ओशियन बहुत खतरनाक है, खींच लेता है आपको वापस, आप ब्लू ओशियन में जंप मारने की कोशिश करते हो, रेड ओशियन वापस खींच लेता है, क्योंकि रेड ओशियन में मैग्नेटिक पावर होता है, वो आपको निकलने नहीं देता, आपको बोलेगा यही काम कर, आपको निकलने नहीं देगा। ब्लू ओशन में निकलने के लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए, टाइम चाहिए, एफर्ट्स चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, पैसा भी चाहिए। रेड ओशन से ब्लू ओशन में जाने के लिए हिम्मत तो पहले चाहिए। सो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आपके मन में कई बार यह सवाल आते होंगे, सोचिएगा सर क्या मैं कर सकता हूं, बाकी के लोग कैसे करते हैं, ये 50 करोड़ की पॉलिसी इन्होंने कैसे बेची थी, 50 करोड़ की पॉलिसी कैसे बेची, बाकी के लोग कैसे कर रहे हैं, क्या मेरे लिए है, क्या मैं कर सकता हूं, आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा। मैं HNI ढूंढूं कहां से, हाउ कैन आई फाइंड इट। आज ईमेल मार्केटिंग में मैं बता रहा हूं, अभी ईमेल का तो मैंने शुरू भी नहीं किया है, आज हम तीसरी पॉइंट पे चल रहे हैं, चौथी और पांचवी पॉइंट दोस्तों अभी भी बाकी है। How can I reach to them? मैं उन तक कैसे पहुंचूं? आपके मन में ये सवाल चल रहे हैं। How can I overcome the entry barrier? कई बार होता है जो शुरुआत में चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, जो सेक्रेटरीज होते हैं, जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं, राइट, वो HNI तक पहुंचने नहीं देते, उसको कहा जाता है एंट्री बैरियर्स। दोस्तों HNI तक पहुंचने के लिए सबसे पहले गेट के बाहर सिक्योरिटी वाला खड़ा होता है, उसके बाद अंदर जाने के बाद रिसेप्शनिस्ट होता है, उसके बाद अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, उसके बाद
पर्सनल सेक्रेटरी होता है HNI का, उसके बाद HNI होता है। सो इतने सारे बैरियर्स को कैसे क्रॉस करना है, क्या मैं कर पाऊंगा, ये मन में सवाल चल रहा है आपको, राइट और रॉन्ग। कई बार इतने सारे बैरियर्स को कैसे क्रॉस करना दोस्तों, उसकी भी टेक्निक होती है, एंड दैट टेक्निक इज ईमेल। दैट टेक्निक इज ईमेल, आते हैं आज उसके, उसको मैं आपको आज बताने वाला हूं। सो हाउ मच विल यू अर्न बाय सेलिंग इवन अ वन HNI पॉलिसी, आपसे एक सवाल है, एक बार सोचिए, क्योंकि सोचने से ही आगे काम की शुरुआत होती है। एक बार पहले सोचते हैं उसके ऊपर काम करते हैं। अगर आपने एक पहली पॉलिसी बेची HNI की तो आपकी इनकम कितनी हो सकती है? जस्ट कई लोग बोलते हैं अरे बहुत हो सकती है सर, बहुत, अरे बहुत नहीं, अंदाज लगाओ भाई, अगर मैंने इतने की पॉलिसी बेची तो मेरी इतनी इनकम आ सकती है। सेफ और मैं आपको ऐसे बताना चाहूंगा कि अगर आपने 50 लाख के प्रीमियम की एक पॉलिसी बेच दी तो आपकी इनकम कितनी हो सकती है, जस्ट राइट डाउन नाउ, लिखिए। चार पांच सवाल मैं पूछूंगा, अगर आपने 50 लाख की इनकम बेच दी, पॉलिसी बेच दी, 50 लाख प्रीमियम की बात कर रहा हूं मैं, तो आपकी इनकम क्या हो सकती है? फटाफट इंटरेक्शन। अगर दोस्तों अभी मैंने पहली रिस्क बताई थी, आज फास्ट स्लो को खाने वाला है, आज बड़ी मछली छोटे मछली को खाने वाली है, ऐसी कंपटीशन चल रही है। पहले तो ऐसा था कि बड़ी मछली छोटी को खाती थी, अभी ऐसा हो गया है फास्ट मछली स्लो मछली को खाती है। इसलिए जिंदगी में स्लो मत रहिए, फटाफट जवाब दीजिए कितना फास्ट होता है। चलो एक हो गया, फटाफट फटाफट 50 लाख प्रीमियम की आपके पॉलिसी में क्या इनकम हो सकती है? अब उसको सवाल को मैं चेंज करता हूं, खाली आपने छोटे में छोटी 10 लाख प्रीमियम की पॉलिसी बेची, छोटे में छोटी पॉलिसी की बात कर रहा हूं, 10 लाख के प्रीमियम की पॉलिसी बेची, तो आपकी इनकम क्या हो सकती है, जस्ट राइट डाउन। पहले 50 लाख पूछा फटाक करके, आपको गिनती आनी चाहिए, 10 लाख पूछ रहा हूं, 10 लाख प्रीमियम की अगर छोटे से छोटी पॉलिसी भी आपने बेच दी कॉर्पोरेट सेगमेंट में, तो आपकी इनकम कितनी हो सकती है, जस्ट राइट इट डाउन नाउ। फैंटास्टिक, बहुत सारे साथी लिख रहे हैं, गुड 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 गुड, आई लव यू ऑल। जो भी साथी इंटरक्टिव है, लिख रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे लग रहा है वो जाग रहे हैं, राइट और रॉन्ग, फटाफट। बहुत शानदार दोस्तों, बहुत शानदार। मैं आपको मेल दे रहा हूं, ईमेल में आपके सामने शेयर करने वाला हूं किस तरह से कॉर्पोरेट्स में मेल भेजनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अभी से एग्जैक्टली 10 मिनट के अंदर मैं आपको मेल शेयर करने वाला हूं, 10 मिनट के अंदर, कि किस प्रकार कंपनी को मेल भेजना चाहिए, HNI को मेल भेजना चाहिए, डायरेक्टर को मेल भेजना चाहिए, पूरा मैं समझाऊंगा दोस्तों, पढ़ के आपके साथ सैंपल बताने वाला हूं, और पढ़ के यह मैं मेल आपको दिखाने वाला हूं भाइयों। तो अब आपको यह समझना है कि आज के परिवेश में व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, यह अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्यों है और कैसे है, राइट। सो बी अबो द अदर, सबसे पहले आप बाकी भीड़ से अलग उठे, भीड़ से अलग हटे। अब मैं कुछ चीजें आपके साथ ऐसी शेयर करने वाला हूं कि ईमेल मार्केटिंग क्या है, उसको कैसे शुरुआत करना चाहिए, किस प्रकार के कॉर्पोरेट मेल्स हमको भेजनी चाहिए, और यह एक्सरसाइज आपको भीड़ से अलग करने वाली है दोस्तों। सबसे पहले तो हम देख लें जो HNI के 5 आपके फियर फैक्टर्स हैं, उसके आंसर्स क्या हैं, हाउ कैन आई कॉन्टेक्ट देम। दोस्तों HNI को कांटेक्ट तो करना ही है, बट डोंट ट्राई टू कांटेक्ट, बट ट्राई टू कनेक्ट विथ देम। उनके साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, उनकी रियल नीड्स के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, तो मैंने जो 5 रियल नीड्स बताई और उसका एग्जांपल भी बताया कि 5वीं नीड के ऊपर एक एडवाइजर ने एक ऐसे छोटे से सवाल के साथ 50 करोड़ की पॉलिसी का डील किया, इट मींस नॉट ओनली कनेक्ट विद कॉन्टेक्ट विद देम बट कनेक्ट विद देम। सेकेंड फियर आता है, विल दे ट्रीट मी वेल, यस इफ यू स्पीक लैंग्वेज दे वॉन्ट टू लिसन। हेलो, क्या वो अच्छी तरह से आपको ट्रीट करेंगे? डेफिनेटली करेंगे, अगर आप उस भाषा का प्रयोग करें, उस भाषा का उपयोग करें जो उनको पसंद है, तो डेफिनेटली वो आपको ट्रीट करेंगे। हाउ शुड आई स्टार्ट?
दोस्तों पेन पॉइंट इज अ गेन पॉइंट स्ट्रेटजी है। पेन पॉइंट इज अ गेन पॉइंट, सबसे पहले HNI की पेन पॉइंट जो मैंने आपको बताई, उनकी हिडन डिजायर, हिडन नीड्स, उनके टेंशन, उसके ऊपर अगर आप बात करते हैं तो दैट कैन बी योर गेन पॉइंट। देयर पेन पॉइंट इज योर गेन पॉइंट। देन व्हाट आर देयर एक्चुअल नीड्स? देयर कोर नीड इज टू प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली एंड बिजनेस अगेंस्ट डिसरप्शन। किसी भी बिजनेसमैन की, किसी भी HNI की एक सबसे प्राइम जो नीड होती है ना साथियों, उनकी जो सबसे दिल के अंदर की नीड होती है कि अपने परिवार का प्रोटेक्शन, अपने बिजनेस का प्रोटेक्शन किसी भी हालात में, दिस इज देयर रियल नीड्स। खाली सिर्फ रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों की एजुकेशन प्लानिंग, बच्चों की मैरिज प्लानिंग, वो उनकी नीड नहीं होती है, वो एक मिड सेगमेंट की नीड होती है। अपर एंड हायर अपर क्लास की जो नीड्स होती है वो अलग होती है। सो दीज आर देयर नीड्स। डू आई हैव द प्रोडक्ट्स? यस डेफिनेटली, दे नीड टेलर मेड प्रोडक्ट, स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट। आपके पास जो भी प्रोडक्ट है उसमें थोड़ा भी बदलाव आप करके उनकी रियल नीड के हिसाब से प्रोडक्ट बना सकते हैं। आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स में क्या बदलना चाहिए, क्या उसमें ऐड करना चाहिए, कुछ प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आप HNI की नीड्स तक सेटिस्फाई कर पाते हैं। इसी वजह से ही दोस्तों 0.5% एडवाइजर्स वर्क फॉर HNI। हेलो, 1% नहीं, सिर्फ 0.5% एडवाइजर्स हैं वो HNI के लिए काम कर पाते हैं, क्योंकि वो इन सब चीजों को जानते हैं। दैट्स व्हाई देयर इज टोटली कॉम्पिटिशन लेस सेक्टर। इसी वजह से ही यहां पर कॉम्पिटिशन है ही नहीं, 100 में से एक बंदा भी वहां नहीं है, आधा बंदा वहां पर है, 0.5। तो क्या आप उस लाइन में, उस सेगमेंट में, उस ब्लू ओशन में जाना चाहते हैं? क्या आप भी वहां पर काम करना चाहते हैं कि नहीं? अभी तो मैंने ईमेल की शुरुआत नहीं की, ईमेल पे मैं आ रहा हूं दोस्तों। क्या आप उस सेगमेंट में जाना चाहते हैं? राइट, आते हैं दोस्तों। सो अब आते हैं ईमेल, व्हाई, व्हाट इज द ईमेल? अब उस पर आते हैं, ईमेल आपको हर एक लेवल से कैसे काम कर सकता है, हर एक लेवल पे आपको कैसे आगे बढ़ा सकता है। दोस्तों 4 बिलियन लोग से ज्यादा 2023 तक, 4 बिलियन पूरी दुनिया में 4 बिलियन लोग ऐसे होंगे जिनके पास कम से कम एक ईमेल आईडी होगा, और उस ईमेल आईडी के थ्रू आप उन तक पहुंच सकते हैं। बड़ा वास्ट मार्केट है। उसके बाद ईमेल जो है दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द प्लेटफॉर्म प्लेनेट। होता क्या है, जो मिड सेगमेंट है, जो स्लो सेगमेंट है, जो नीचे का सेगमेंट है, वो फेसबुक देखता है, वो यूट्यूब देखता है, राइट? और जो अपर एंड हायर अपर सेगमेंट है वो ईमेल पे होता है। अपर एंड हायर अपर सेगमेंट जो होता है वो ईमेल पे होता है। तो अब सवाल ये होता है कि उनकी ईमेल कैसे ढूंढने की, उनकी पर्सनल मेल कैसे ढूंढने की। मेल दो प्रकार की होती है हर एक इंसान की, एक होती है ऑफिशियल मेल और एक होती है पर्सनल मेल। HNI की ऑफिशियल और पर्सनल मेल ढूंढने के 8 अलग अलग तरीके होते हैं। HNI की पर्सनल मेल और प्रोफेशनल मेल ढूंढने के 8 तरीके होते हैं, और जिस दिन आपको वो मेल हाथ में आती है तो आप उन तक बैरियर्स को क्रॉस करके आराम से पहुंच पाते हैं। 5 फैक्ट अबाउट ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग के 5, अभी तो ईमेल को मैंने सिर्फ शुरुआत की है दोस्तों, 5 फैक्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी विल चेंज द फेस ऑफ ईमेल मार्केटिंग। आप बैठे बैठे 200 लोग, 500 लोग, 700 लोगों को ईमेल के थ्रू अपना बिजनेस, ईमेल के थ्रू अपनी मार्केटिंग, ईमेल के थ्रू अपना प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। दिस इज अ पावर ऑफ ईमेल। आने वाले समय में क्या क्या चेंजेस होंगे, कौन से 5 फैक्ट है ईमेल मार्केटिंग के लिए। पर्सनलाइजेशन मैटर्स। आप किसी को भी मेल भेजते हैं और अगर उसके नाम के साथ टच होता है, जैसे कि सपोज आप मुझे मेल भेज रहे हैं और आपने लिखा, हाय मिस्टर संजय, रेस्पेक्टेड मिस्टर संजय, डियर संजय,
सो जब पर्सनलाइज्ड नाम आता है तो उस मेल का जो इंपॉर्टेंस है वो काफी बढ़ जाता है। ईमेल में कौन से 5 फैक्ट? सबसे पहला तो दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी के साथ आप आज के जमाने में पर डे 1000 से ज्यादा लोगों को मेल भेज सकते हैं आराम से। फ्री वर्जन की बात कर रहा हूं, पेड वर्जन में तो और आगे जाते हैं। उसके साथ साथ पर्सनलाइज्ड मेल जो होते हैं नाम के साथ, उसको आदमी बहुत ध्यान से पढ़ता है, खोल के पढ़ता है, ध्यान देता है। इंटरेक्टिव ईमेल विल मोर इजीली ब्रिज द गैप टू अ सेल। सेल में जो गैप होती है, पर्सनलाइज्ड मेल के साथ इंटरेक्टिव मेल, इंटरेक्टिव ईमेल ड्राफ्ट करने से जो भी आपके सामने प्रोस्पेक्ट है, जिसको आपने भेजी है, वो सेल और आपके बीच की जो गैप होती है उसको कम कर देता है। इंटरेक्टिव मेल भेजना है, जब भी आप किसी को भेजे इंटरेक्टिव मेल होना चाहिए। उसके साथ कैप्टिवेटिंग स्टोरी टेलिंग विल ड्राइव द ईमेल मार्केटिंग। अब कैप्टिवेटिव स्टोरी टेलिंग का मतलब क्या है, आज फ्री वाले सेशन में भी यह मैं आपको बताना चाहूंगा। आपकी जो भी अचीवमेंट्स रहती हैं, और उस अचीवमेंट को स्टोरी के फॉर्म में जब आप प्रेजेंट करते हैं किसी भी प्रोस्पेक्ट के सामने, आपकी ब्रांडिंग, आपकी अचीवमेंट एज एन MDRT, एज ए COT, एज ए TOT, कोई भी आपने अचीवमेंट की है, उसको कैप्टिवेटिंग स्टोरी टेलिंग के थ्रू आपके कस्टमर को एंगेज रखते हैं। जैसे कि आज मैं आपको लास्ट में एक मेल बताने वाला हूं किस तरह से कॉर्पोरेट को मेल ड्राफ्ट करके भेजा जाता है पूरा। सो यूजर जनरेटेड कंटेंट विल बिकम मोर कॉमन इन मार्केटिंग ईमेल्स। ये 5 स्ट्रेटेजीज हैं, 5 की पॉइंट्स हैं, 5 फैक्ट्स हैं जो आपको ईमेल के बारे में ध्यान रखने हैं। यूजर जनरेटेड कंटेंट, इसका मतलब आपका क्लाइंट, इसकी भी एक स्ट्रेटेजी होती है। यूजर जनरेटेड कंटेंट मतलब आपका क्लाइंट आपके लिए मेल में क्या बोल रहा है और उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है एज अ ब्रांडिंग टूल दोस्तों। सो ये 5 फैक्ट याद रखिएगा। अब मैं 5 मिनट के अंदर आपको मेल बताने वाला हूं कौन सा कॉर्पोरेट को मेल भेजना चाहिए, कैसे भेजना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे परमिशन चाहूंगा, जो साथियों को अपॉर्चुनिटी चाहिए उनके लिए मैं एक छोटा सा ऑफर यहां पर बताने वाला हूं। फॉर कॉर्पोरेट एंड HNI प्रोस्पेक्टिंग, हाउ मेनी ईमेल्स डू यू सेंड एवरी डे? आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं। HNIs के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए, बिजनेसमैन को आप पर डे कितनी मेल भेजते हैं? दिल से बताइएगा। कॉर्पोरेट्स को, HNI को, उनकी प्रोस्पेक्टिंग के लिए, उनको बिजनेस के लिए ओपनिंग मेल कौन सी भेजनी चाहिए, क्या आप भेजते हैं पर डे? आप कितने लोगों को मिल पाएंगे? 2 लोगों को, 5 लोगों को, 10 लोगों को एक दिन? लेकिन मेल तो आप 1000 लोगों को भी भेज सकते हैं, मेल आप 500 लोगों को आराम से भेज सकते हैं। क्या आप इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हैं अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए? डू यू सेंड 500 मेल्स अ डे? डू यू सेंड एटलीस्ट 500 मेल्स अ वीक? सोचिएगा दोस्तों। आते हैं इसके ऊपर, मैं आपको एग्जैक्ट मेल बताने वाला हूं किस प्रकार का मेल भेजना है। राइट, कुछ साथी चैट भी कर रहे हैं, अभी भी नंबर डाल रहे हैं जो भूल गए हैं। राइट, सो ईमेल को सोचिएगा दोस्तों, सबसे बड़ा शस्त्र है। और आपके मन में एक सवाल आता होगा कि यह सब सीखने के बाद उसको इंप्लीमेंट करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज बदलते युग में इसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको लगेगा कि अगर आज मैंने मेल भेजना शुरू नहीं किया तो जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं वो मार्केट को तेजी से, जो तेज है, मैंने आपको पहले ही बताया था, आज के जमाने में जो तेज है, जो फास्ट मछली है वो स्लो मछली को खाएगी। आने वाले समय में जो फास्ट मछली है वो स्लो मछली को खाएगी। तो डोंट बी स्लो, आई रिपीट, डोंट बी स्लो, बी फास्ट। अब आते हैं दोस्तों, If you are serious about HNI business,
ड्राफ्ट ईमेल में आपको सिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं पूरे की पूरी फोटो के साथ, ट्रायल के साथ कहां से शुरू करनी है। लेकिन आर यू सीरियस अबाउट द बिजनेस, तो मैं आपके सामने एक परमिशन के साथ एक छोटा सा ऑफर रखने वाला हूं। दो मिनट में ऑफर रखूंगा दोस्तों, उसके बाद फटाफट मैं मेल के ऊपर जा रहा हूं। सो बी सीरियस। कॉर्पोरेट कोर्स इज फॉर दोज हु आर प्रोफेशनली सीरियस। क्या प्रोफेशनली सीरियस है अपने बिजनेस में? अगर हां तो यह कोर्स आपके लिए है। अभी मेल बाकी है, दे रहा हूं। एक मेल भी आपने यूज किया ना तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। एक मेल, यस। सो कॉर्पोरेट कोर्स सिर्फ उन्हीं दोस्तों के लिए है जो प्रोफेशनली सीरियस हैं, अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, फास्ट बनना चाहते हैं, क्योंकि स्लो मछली को फास्ट मछली खाने वाली है आने वाले समय में। लेकिन आई एम सॉरी दोस्तों, आज जो मैं आपको ऑफर देने वाला हूं, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, उसमें सिर्फ 9 लोग ज्वाइन हो पाएंगे। पूरी मेल तो मैं सबको बताने वाला हूं, लेकिन आज जो मैं आपको ऑफर देने वाला हूं उसमें सिर्फ 9 लोग ज्वाइन कर पाएंगे आज के दिन में। तो आइए देखते हैं क्या है, किस तरह से ऑफर है, किस तरह से है। यह जो हमारा कोर्स है कॉर्पोरेट कोर्स, वो सभी के लिए नहीं है। दिस कोर्स इज नॉट फॉर ऑल। अगर आप सब लोग बोले हाँ हमें करना है तो इट्स नॉट फॉर ऑल। पॉइंट वन, इस कॉर्पोरेट कोर्स को सिर्फ प्रोफेशनल एडवाइजर्स कर सकते हैं। ओनली प्रोफेशनल एडवाइजर्स जो दिल दिमाग बल बुद्धि के साथ चाहते हैं मैं प्रोफेशनल बनूं, मैं आगे बढ़ूं, मैं HNI के साथ काम करूं, उन्हीं के लिए कोर्स है। बाकी सबके लिए, आम जनता के लिए यह कोर्स नहीं है दोस्तों। Who are serious about growing their business, जो अपना business really seriously बढ़ाना चाहते हैं, यह course उन्हीं के लिए, बाकी के लिए नहीं है। इस course में two way communication होता है। जैसे आज one way communication है, सिर्फ मैं ही बात कर रहा हूँ, आपसे नहीं ले रहा हूँ, बात नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जो हमारा live session होता है, course का session होता है, उसमें one to one हर एक साथी के साथ बातचीत होती है, मेरा पर्सनल इंटरेक्शन रहता है, मेंटरशिप रहता है। और यह कोर्स शुरू होने जा रहा है दोस्तों एवरी सैटरडे 5th मार्च। 5th मार्च शाम को 7 से 9 यह कोर्स शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है कॉर्पोरेट कोर्स। और इसमें सिर्फ 9 सीट ही बाकी हैं, 9 लोग ही ज्वाइन कर पाएंगे। ज्यादा लोग इस कोर्स में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, आज सिर्फ 9 लोग ज्वाइन कर पाएंगे। 5 मार्च से शुरू होगा एवरी सैटरडे, 22 जुलाई तक चलेगा एवरी सैटरडे, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, एवरी सैटरडे इवनिंग 7 to 9। क्या क्या दोस्तों इसमें साथी सीखने वाले हैं, 25 टॉपिक सीखने वाले हैं और 8 प्रोजेक्ट सीखने वाले हैं। ईमेल दोस्तों अभी बताना बाकी है मुझे, ये आपकी परमिशन से मैं छोटा सा एक ऑफर आपको बताने जा रहा हूँ, एक छोटा सा इनिशिएटिव आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें 25 टॉपिक होंगे, 8 प्रोजेक्ट होंगे। कौन कौन से टॉपिक होते हैं? हाउ टू डेवलप विनिंग हैबिट्स, विनिंग हैबिट्स को कैसे डेवलप करना है, प्रोफेशनल गोल सेटिंग कैसे करने चाहिए ताकि जिंदगी में आप सक्सेस की राह पर कंटिन्यूस चलते रहे, बिजनेस एक्टिविटी ट्रैकिंग। कई बार हमें लगता है कि हमने पूरा दिन काम किया लेकिन किया क्या, कई बार हमें लगता है पूरा दिन काम किया लेकिन किया क्या। तो किस तरह से बिजनेस को ट्रैक करना चाहिए, बिजनेस ट्रैकिंग एक्टिविटी इसमें करवाई जाती है, उसका सिस्टम दिया जाता है, उसका सपोर्ट दिया जाता है। ईमेल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज HNIs को, जैसे आज मैं आपको एक सैंपल दिखाने वाला हूं, इस प्रकार की 10 ईमेल स्ट्रेटेजीज दी जाती है, 10 ईमेल सैंपल दिए जाते हैं, आज मैं आपके साथ उनमें से एक शेयर करने वाला हूं। ईमेल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज कैसे होती है और 3 स्टेप प्रोसेस कौन सी होती है कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट को हैंडल करने के लिए, कॉर्पोरेट की जो रिस्क है, बिजनेसमैन की रिस्क है, उसको मैनेज करने के लिए कौन से 3 स्टेप की प्रोसेस होती है, HNI के रेफरेंस कैसे जनरेट करने चाहिए, 5 स्ट्रक्चर्ड प्लान, जो मैंने आपको बताया HNI को क्या जरूरत होती है, स्ट्रक्चर्ड प्लान की जरूरत होती है, उसको पॉलिसी की जरूरत नहीं होती। अगर आपने छोटी पॉलिसी, बड़ी पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी, पॉलिसी की बात की तो दे डोंट लिसन, दे वांट अ स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट टू प्रोटेक्ट देयर हिडन नीड्स, हिडन कंसर्न्स। सो 5 स्ट्रक्चर्ड प्लान कॉम्बिनेशन आपको दिए जाएंगे, स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स दिए जाएंगे।
हाउ टू कंडक्ट ऑनलाइन मीटिंग, जैसे मैं आपके साथ अभी मीटिंग कर रहा हूं, तो बिजनेसमैन के साथ ऑनलाइन बिजनेस मीटिंग कैसे करनी चाहिए, उसमें क्या चाहिए, किस प्रकार का सेटअप चाहिए, कम से कम खर्चे में उसको कैसे शुरू कर सकते हैं, उसका पूरा आपको सपोर्ट दिया जाएगा। न्यू प्रोस्पेक्टिंग टेक्निक्स कैसे लेनी चाहिए, नए ईमेल्स कहाँ से लाने चाहिए, कॉर्पोरेट्स के ईमेल कहाँ से लाने चाहिए, डेटा कहाँ से आ सकता है, उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोस्पेक्टिंग में उसको कैसे यूज कर सकते हैं। कॉर्पोरेट इंश्योरेंस थ्रू कीमैन इंश्योरेंस, कीमैन के थ्रू कैसे कॉर्पोरेट इंश्योरेंस किया जा सकता है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कैसे होता है, 8 बिजनेस के प्रोजेक्ट, यस दोस्तों 8 बिजनेस के प्रोजेक्ट इसके अंदर दिए जाते हैं। प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट थ्रू MWP एक्ट, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, इंजीनियर्स, जो भी प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेसमैन हैं, बिल्डर हैं, इनको MWP एक्ट से किस तरह से प्रोफेशनली रिस्क मैनेज करके देना चाहिए। हाउ टू गेट डिग्निफाइड एंट्री, डिग्निफाइड एंट्री प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, पार्टनरशिप में, LLP में, MSME में, किस तरह से आप वट के साथ एंटर हो पाए, ये तो सिर्फ मैंने 15 बताया दोस्तों। ऐसे टोटल 25 टॉपिक, ऐसे टोटल 25 टॉपिक कवर अप किए जाने वाले हैं, और जिनको ये टॉपिक्स चाहिए या क्या मिलने वाला है उसकी बात मैं बताऊंगा। What you will get, कौन सी 10 चीजें आपको इस कोर्स में मिलने वाली है, ये तो मैंने सिर्फ 20 टॉपिक बताए, 25 टॉपिक, 16 बताए, टोटल 25 टॉपिक है। 10 चीजें आपको कौन सी मिलने वाली है, पहला ट्रेनिंग मटेरियल का पूरा सॉफ्ट कॉपी आपको मिलेगा, ट्रेनिंग मटेरियल का पूरा सॉफ्ट कॉपी मिलेगा। आपके ब्रांड के साथ कंपनी में कैसे प्रेजेंटेशन देनी चाहिए वो PPT आपको मिलेगी। आप कंपनी में जाके शुरुआत कैसे करें, किसी भी ग्रुप को अगर आपको डील करना तो कहां से शुरुआत करें, समझो आपको 50 डॉक्टरों की मीटिंग को एड्रेस करना है तो आपके पास प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। सो आपके नाम की ब्रांडेड प्रेजेंटेशन आपको मिलने वाली है। अपॉइंटमेंट स्क्रिप्ट, किस तरह से अपॉइंटमेंट ली जाए उसकी स्क्रिप्ट आपको लिखवाने वाले हैं, उसकी स्क्रिप्ट आपको देने वाले हैं। HNI की ईमेल इंग्लिश और हिंदी में कैसे भेजी जाए उसका पूरा ड्राफ्ट आपको मिलने वाला है, जो उसका आज एक सैंपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कॉर्पोरेट कोर्स का आपको फैंटास्टिक शानदार सर्टिफिकेट मिलेगा, जो आपकी ब्रांडिंग में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ बिजनेस ट्रैकिंग सिस्टम आपको दिया जाता है, उसके साथ साथ NRI अंडरराइटिंग सॉफ्टवेयर आपको दिया जाएगा, उसके साथ साथ कॉर्पोरेट में काम करने के लिए आपका ग्रुप मेंटरिंग होगा। ग्रुप में जब आप बात करेंगे तो आपका मेंटरिंग किया जाएगा, एक स्पेशल प्रोजेक्ट देके क्या हुआ उसका फॉलोअप किया जाएगा, बिजनेस प्रोजेक्ट एंड फॉलोअप, आपको जो बिजनेस दिया गया, प्रोजेक्ट दिया गया, उसका फॉलोअप किया जाएगा ताकि आप अच्छी तरह से सीख पाए, अच्छी तरह आप कॉर्पोरेट में HNI के साथ काम कर पाए दोस्तों। और उसके साथ पर्सनल गाइडेंस, और उसके साथ जैसे अभी आप सेशन देख रहे हैं, सो 10th पॉइंट इज वीडियो रिकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा ताकि आप जो भी आपने सीखा उसको रिपीट कर पाए दोस्तों। कई सारे साथी पूछते हैं सर खर्चा क्या होगा, किसी के मन में लगता है दोस्तों खर्चे के लिए जो आदमी सोचता है वो आगे कैसे बढ़ेगा, उसको अगर हम इस तरीके से देखें, अगर 2 दिन का हम ट्रिप कहीं पर घूमने जाते हैं, कहीं पर भी हम घूमने जाते हैं अम्यूजमेंट पार्क में, तो 5,000 से 8,000 रुपया एक मेंबर का खर्चा आ जाता है, आना जाना रहना अम्यूजमेंट पार्क का खर्चा, राइट। और अगर पूरा परिवार जाता है तो कम से कम 15,000 से 50,000 के बीच का खर्चा आता है, कितना दूर जाते हैं और कौन से अम्यूजमेंट पार्क में हम जाते हैं। लेकिन वॉट शुड बी द इन्वेस्टमेंट फॉर दिस कोर्स, ये जो कॉर्पोरेट कोर्स है इसकी इन्वेस्टमेंट क्या होनी चाहिए। कुछ साथी लिख रहे हैं कि इसकी इन्वेस्टमेंट 3 लाख होनी चाहिए, हाँ कुछ साथी लिख रहे हैं 2.5 लाख होनी चाहिए, कुछ साथी लिख रहे हैं 2 लाख होनी चाहिए। दोस्तों आपके लिए जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, आपने सोचा नहीं होगा, उस ऑफर के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। आज जो 25 टॉपिक लेंगे उसको अगर 2,000 का भी आप वैल्यू गिनो तो 50,000 तो टॉपिक की वैल्यू है। 8 प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, 3,000 का अगर उसका वैल्यू गिनो तो 24,000 रुपए
प्रोजेक्ट्स की वैल्यू है, 10 ईमेल्स दिए जाएंगे, बिल्कुल कंपनी को भेजने के लिए 10 ईमेल्स दिए जाएंगे, उसकी कॉस्टिंग अगर आप गिनो तो 50,000 वैल्यू है। टोटल कोर्स की वैल्यू दोस्तों हो रही है 1,24,000, लेकिन यह आज आपके लिए जो स्पेशल ऑफर होने वाला है, अभी मेल बताना बाकी है मुझे, आपको एक सैंपल मेल बताना बाकी है, आपके लिए आज ये कोर्स की प्राइस जो है 1,24,000 नहीं है, आपकी इन्वेस्टमेंट 1,24,000 नहीं है। लेकिन हाँ, आपको एक बार फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा, आज सिर्फ 9 लोगों से ज्यादा नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, सिर्फ 9 सीट स्पेशली हमने रिजर्व की गई है, आज सिर्फ 9 लोग जैसे कंप्लीट होंगे कोर्स का बुकिंग बंद हो जाने वाला है दोस्तों। और 14,700 यह आपके लिए आज की ऑफर है, आज की प्राइस है। जो दोस्त आज इस कोर्स को बुक करना चाहेंगे, आज अपनी सीट बुक करना चाहेंगे, उसके लिए 14,700 इज द ऑफर, और ऐसी ऑफर आपको नहीं मिलने वाली दोस्तों। एक बार सोच के देखिए, अगर आपने एक पॉलिसी की कॉरपोरेट की, छोटे में छोटा 10 लाख प्रीमियम, तो 2.5 लाख की इनकम होती है, 50 लाख की पॉलिसी आपने सिर्फ ये कोर्स, और मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूं आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, आपका कॉन्फिडेंस बदलने वाला है, आपका पावर बदलने वाला है। आप किसी के साथ में बैठेंगे तो यूं करके बैठ कर पाएंगे, ऐसा बिजनेस कर पाएंगे। आपके एक मेल की कीमत क्या हो सकती है वो आने वाला वक्त बताएगा दोस्तों। और हाँ, आज की इस ऑफर को एक बार सोचिएगा, सिर्फ 9 लोग, यस, जैसे ही कंप्लीट हुए 9 फिनिश, प्रोडक्ट विल बी हाउसफुल। सो 14,700 आज का ये ऑफर है। किसी को ये बड़ा लगेगा, अरे सर क्या बात करते हैं, 14,700 राइट, और किसी को लगेगा 14,700, सोच का फर्क है, कारण कैसा। अगर आपने 5 लाख की एक पॉलिसी बेच दी, प्रीमियम की बात कर रहा हूं, 1.25 लाख उसकी इनकम आ गई, व्हाट इज द प्राइस, व्हाट इज द वैल्यू। आपने 10 लाख की पॉलिसी बेच दी, 2.5 लाख रुपया इनकम इसमें से आएगा आपको, कम से कम 3.5 लाख बोनस के साथ आपको इनकम आता है, व्हाट इज द प्राइस। 50 लाख का आपने टारगेट रखा है इस पूरे कोर्स में, कम से कम मैं 50 लाख रुपए का प्रीमियम इसमें से कर लूंगा, 12.5 लाख तो मेन इनकम होती है आपकी, टोटल 17 लाख रुपए की इनकम, व्हाट्स द कॉस्ट। हम अगर प्राइस को देखते हैं तो इट इज टू हाई, लेकिन अगर सामने इसके बेनिफिट्स को देखते हैं, इसकी वैल्यू को देखते हैं, और वैल्यू तो लाइफ टाइम है, मैं तो ये जो इनकम बता रहा हूं वो पहली पॉलिसी की बता रहा हूं, फर्स्ट पॉलिसी की बता रहा हूं, सभी पॉलिसी की नहीं बता रहा हूं, फर्स्ट ट्रांजेक्शन फर्स्ट पॉलिसी की आपको दोस्तों बता रहा हूं मैं वैल्यू। फैंटास्टिक, अभी सिर्फ 9 लोग जुड़े, बहुत सारे साथी बोल रहे हैं कि सर पहला मेरा नाम, ओके ठीक है, बहुत सारे साथी चैट कर रहे हैं कि आई एम रेडी सर, प्लीज बुक माय सीट, या इट्स ओके, ओके फैंटास्टिक फैंटास्टिक। सो अब आते हैं दोस्तों आगे, ये आपके लिए आज की ऑफर है, और जिनको इसकी पूरी डिटेल चाहिए, सभी टॉपिक्स चाहिए, तो अभी के अभी कॉर्पोरेट लिख के इन 2 नंबर पे या किसी भी एक नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉर्पोरेट लिख के अभी, तो आपको इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी इन 2 नंबर पे, ये हमारे ऑफिस के नंबर है, इसी पे आपको कॉर्पोरेट लिखना है। और जिन दोस्तों को गूगल पे फोन पे और पेटीएम से अभी अपनी सीट बुक कर लेनी है, क्योंकि जैसे पहले मैंने बताया सिर्फ 9 लोग ही आज इस कोर्स को एनरोल कर पाएंगे, तो गूगल पे फोन पे पेटीएम, अच्छा जिनको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पे करना है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड बैंक से पे करना है, तो वो हमारे इन 2 नंबर पर कॉर्पोरेट लिख के भेजें, आपको लिंक आ जाएगा और यू कैन मेक द पेमेंट। और जिन दोस्तों को फोन पे गूगल पे और पेटीएम करना है, वो इन 2 नंबर्स पे इस नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं साथियों। अब आते हैं ईमेल, कौन सा ईमेल आपको भेजना चाहिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से मैं आपके लिए ये ईमेल अभी ओपन करने जा रहा हूं दोस्तों। जो अननोन आदमी है, जो अननोन आदमी है,
बहुत सारे साथी यहाँ कमेंट में कॉर्पोरेट लिख रहे हैं, यहाँ कमेंट में कॉर्पोरेट नहीं लिखना है, जो मैंने नंबर आपको बताए थे उस पे कॉर्पोरेट लिखना है, ठीक है। मैं मेल के बाद फिर से बताऊंगा आपको नंबर्स, मैंने स्टार्टिंग में भी लिखवाए थे। मेल अगर किसी अननोन आदमी को भेजनी है, आप समझ लीजिए कि किसी कंपनी के डायरेक्टर को आपने मेल भेजा, तो ऐसा मेल होना चाहिए कि उसको पढ़ने के बाद वो सोचने पे मजबूर हो जाए, आपको अपॉइंटमेंट दे, आपको बुलाए, आपकी रिस्पेक्ट करे। कई बार हम चले जाते हैं, आपसे सर मिलने आ गया, लेकिन आपके जाने से पहले एक पावरफुल मेल जाना चाहिए। वो मेल पढ़ने से उसके मन के अंदर कुछ हिलचाल होनी चाहिए, कुछ समझना चाहिए। सो आइए देखते हैं किस प्रकार की मेल हम दोस्तों भेजना चाहिए। मेल का टाइटल कैसा होना चाहिए, किस प्रकार की मेल भेजनी चाहिए, सबसे पहले एक टाइटल देखिए। रेस्पेक्टेड सर, सॉरी टू एब्रप्टली लैंड इन योर इनबॉक्स, आपके इनबॉक्स में फटाक करके आने के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको एक एक चीज, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दो मेल में एक साथ यहां पर नहीं दिखा पाऊंगा आपको, मेल में इंग्लिश में दिखा रहा हूं, एक एक चीज आपके लिए मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं। सॉरी टू एब्रप्टली लैंड इन योर इनबॉक्स बट इट इज फॉर योर फैमिलीज फ्यूचर, मैं आपसे माफी चाहूंगा कि आपके पूछे बगैर आपके इनबॉक्स में मैं आ गया, लेकिन ये आपके परिवार का सवाल है। जैसे आदमी सोचता है इट इज फॉर योर फैमिलीज फ्यूचर, वो रुकता है, सोचता है, देखता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायरेक्टर को आप भेज रहे हो दोस्तों, किसी आम आदमी को नहीं भेज रहे हो, कंपनी के प्रमोटर को भेज रहे हो, आर यू लायबल अनलिमिटेडली, सवाल बहुत शानदार है। क्या सर आप अनलिमिटेडली लायबल हो, किसके लिए भाई, कौन सा इल्जाम लगा रहे हो, आर यू लायबल अनलिमिटेडली। अब आते हैं उसके नीचे, आदमी सोचेगा, एक एक लाइन पढ़ेगा, बहुत ध्यान से फोटो आप ध्यान से देखिएगा, उसके बाद फोटो होता है, फिर नीचे मेल होती है। सर इफ अ पर्सन्स एंटायर वर्थ इज एट अ स्टेक देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी, सवाल दिया है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर को, एक सवाल दिया है, अगर किसी भी इंसान की पूरी जिंदगी की पूंजी और कमाई दांव पर लगी हो तो लायबिलिटी शब्द का अर्थ क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी शब्द का अर्थ क्या है, सोचिएगा। जब किसी भी इंसान की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी दांव पे लगी हो तो लिमिटेड लायबिलिटी शब्द का अर्थ ही नहीं रहता सर, इसका मतलब क्या है। Your core purpose behind formation of company is to have unlimited growth with limited liability. Sir, आपने जो ये कंपनी की नींव रखी थी जब कंपनी बनाई थी, तब आपका जो पर्पस था कि आपकी इनकम अनलिमिटेड बढ़नी चाहिए और आपकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होनी चाहिए, इसी उद्देश्य से आपने सबसे पहले कंपनी की स्थापना की थी, राइट। उसके बाद एवरी ह्यूमन बींग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी इज टू सेफ गार्ड फैमिलीज फ्यूचर, हर एक इंसान की यह सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि अपने और अपने परिवार के भविष्य को प्रोटेक्ट करे, पर्सनल वेल्थ को प्रोटेक्ट करे, सोशल डिग्निटी को प्रोटेक्ट करे। बट विथ योर एवरी सिग्नेचर, आपके हर एक सिग्नेचर से एज ए गारंटर या तो एज ए श्योरिटी, योर फैमिलीज फ्यूचर इज एक्सपोज टू अनलिमिटेड एंड अनप्रिडिक्टेड रिस्क। आपकी एक सिग्नेचर से आपके परिवार का, आपकी एक सिग्नेचर से आपके परिवार का जो भविष्य है, अनलिमिटेड रिस्क, अनप्रिडिक्टेबल रिस्क के सामने एक्सपोज हो गया है आपकी एक सिग्नेचर से। अब आदमी सोचता है, डायरेक्टर सोचता है, यार मेरी कौन सी सिग्नेचर से मेरे परिवार के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। सर Have you structured the iron dome that protects your family's future and will not allow the business risk to spill over your family's life? क्या आपने ऐसे iron dome का निर्माण किया है जो कंपनी और उसके भविष्य का जो जोखिम है वो आपके परिवार के ऊपर ना आने दे? क्या आपने ऐसे iron dome की स्थापना की है
We are expert in corporate risk management and we create special iron dome that protect your family's financial future. हम ऐसे expert हैं, हम financial planning में expert हैं, corporate risk management में expert हैं, जो आपके परिवार के लिए ऐसा iron dome निर्मित करते हैं कि किसी भी परिस्थिति में आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे, उनका भविष्य सुरक्षित रहे. So need more information? क्या आपको ज्यादा information की जरूरत है? Call us or write back to us for an absolutely free consultation. You have no obligation whatsoever. आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं होगी कि आपको लेना है. We look forward to hearing from you. Warm regards, आपकी कंपनी का नाम. दोस्तों, इस प्रकार की एक पेज की ईमेल, इस प्रकार के एक पेज की ईमेल अगर किसी भी कंपनी के डायरेक्टर को पहुंचती तो आपको बुलाता है. वो सोचता है एक मेल उसको अंदर से हिला देगी. ऐसी तो आपको 10 मेल्स मिलने वाली है. आज तो मैंने सिर्फ एक मेल दिखाई आपको, ऐसी 10 मेल्स मिलने वाली है. 10 प्रोजेक्ट में 8 प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं, 10 मेल मिलने वाली है. बहुत सारे टॉपिक्स कवर अप होने वाले हैं. सो जो भी लोग आज इसको इस्तेमाल करेंगे, आज जो भी लोग यहां पर ज्वाइन करेंगे, उनको यह 10 मेल्स, 10 प्रकार के मेल्स जो है दोस्तों मिलने वाले हैं. सो आपसे एक बार फिर से कई सारे साथी जो है अभी भी डिमांड कर रहे हैं नंबर्स की, तो उनके लिए एक बार मैं नंबर फिर से ओपन करना चाहूंगा. जो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से अपनी सीट बुक करना चाहते हैं, उनके लिए नंबर है 9825677521400. एक ही पॉलिसी में आपका कॉस्ट जो है दोस्तों रिकवर होने वाला है. पहली ही पॉलिसी में आपका इन्वेस्टमेंट आपका फ्री होने वाला है. और जिन दोस्तों को कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट की पूरी डिटेल चाहिए, इन दो नंबर पर 9426743252 9428598252 के ऊपर दोस्तों लिख के भेज दें कॉर्पोरेट, और आपको पूरी डिटेल आ जाएगी. मिलते हैं दोस्तों 5 मार्च को, मिलते हैं 5 मार्च को शाम को 7 से 9 ऐसे शानदार टॉपिक्स के साथ जो आपके जिंदगी में जबरदस्त बदलाव लाने वाले हैं. आपको कॉन्फिडेंटली नए सेक्टर में अपना बिजनेस करने के लिए नई चीजें देने वाले हैं, नए टूल्स देने वाले हैं. 25 टॉपिक, 8 प्रोजेक्ट और आपकी पर्सनालिटी में जबरदस्त बदलाव. क्योंकि अभी बड़ी मछली तो छोटी मछली को खाती है, लेकिन उसके साथ स्पीड वाली मछली जो है वो स्लो मछली को खाती है. भविष्य आपका कैसा बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपका आज का डिसीशन ही आपका भविष्य बदलता है. जो भी आज आप डिसाइड करते हैं, जो भी आप चॉइस करते हैं, उसी से आपका भविष्य बदलता है. परिस्थितियां कभी नहीं बदलती दोस्तों, मनोस्थिति से डिसीशन लेके परिस्थिति को बदलना पड़ता है. आपका बिजनेस जोरदार हो, आप कॉर्पोरेट सेगमेंट में काम करें, कंपनीज के साथ काम करें, एचएनआईज के साथ काम करें, एनआरआईज के साथ काम करें, और 5% एडवाइजर्स में आपकी एंट्री हो, ऐसी शुभकामना के साथ दोस्तों आज जो आपने कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद. मिलते हैं 5 मार्च शाम को 7 से 9. Thank you and wish you all the best.